हेलो चैंपियंस कैसे हैं सब लोग आई होप सब बढ़िया होंगे स्वस्थ होंगे तो आज हम हाजिर हैं फिर से एक इम्पोर्टेंट सेशन के साथ में और यहाँ पे ये लास्ट वीक जो तबाही प्लान है उसके अंदर हमारी आज सेकंड क्लास है सेकंड क्लास है और क्लास को शुरू करते हैं शुरू करने के साथ बेटा मैं बात करूँ अगर टेलीग्राम चैनल की हर बच्चे को यहाँ पे है क्योंकि बार बार हमारी टीम रिक्वेस्ट कर रही थी उसके पीछे कोई रीजन्स होते हैं तो यहाँ पर हर बच्चे को यहाँ पर इसको टेलीग्राम चैनल को इनरोल करना है क्योंकि यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं और उसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं जो अपकमिंग है सभी के स्टार्ट हो चुके हैं सात सितंबर से, से आपके क्लासेस शुरू होने वाली है सात सितंबर से, से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली है इसलिए मैं बोलूंगा कि हर बच्चा है वो यहां पे इसको इनरोल कर ले क्योंकि यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा यहां से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मतलब कि लास्ट मिनट पे बाद में परेशान में आएंगे उससे बेटर है कि आप यहाँ पे कोर्स को अपना एनरोल करके जो भी बच्चा है स्पेशली मैं अगर आप लोगों की बात करूँ यहाँ पे मैम ने कल यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है और यहाँ पे आज वो अपना कोर्स प्लान अपडेट डालेंगे तो यहाँ पे स्पोकन के अंदर क्या कोर्स प्लान है क्या नहीं जाके देखना और उसके हिसाब से उसको मतलब कि डेफिनेटली मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा जो हिंदी मीडियम से एटलीस्ट उससे क्योंकि वैसे तो ओवरऑल हिंदी से हो या इंग्लिश से हो पर्सनलिटी डेवलपमेंट के लिए वो क्लास काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जिसमें बीच बीच में उसके अंदर कुछ डिस्कशंस के लिए हो सकता है मैं भी अवेलेबल हूं जिसमें हम ओवरऑल एज ए पर्सनल डेवलपमेंट में हाउ यू हैव टू कनेक्ट विथ सीनियर मैनेजमेंट एंड ऑल दिस थिंग टुगेदर एंड डिस्कस दिस मल्टीपल पॉइंट्स है ना तो वहां पे मैं भी हो सकता है कि अभी कभी कभी वहां पे कनेक्ट करूँ लेकिन मैं वहां पे रेगुलरली सिक्स टू सेवन ओ क्लॉक सिक्स टू सेवन पी एम सेवन पी एम यहाँ पे क्लासेस लेगी और मैं बोलूँगा हर बच्चा है वो इस बैच को एनरोल करेगा बेटा जो भी हिंदी मीडियम से है उसको क्योंकि मैं नीचे कमेंट देख रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं सर मैं जी डी आउट हो गया सर मैं ये e आउट हो गया मैं एस एस बी आउट हो गया मैं स्क्रीनिंग आउट हो गया है ना तो वो चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि यहाँ पे एस एस बी के अंदर आप लोगों की अगर कहानी में बताऊँ तो यहाँ पे जो भी रिटर्न क्लियर करें लगभग पिछली 140 बच्चों का हमने का हमने पे डेटा दिया था क्लियर करते हैं हैं उनमें से 70 बच्चे 70 बच्चे आउट हो जाते हैं। और एक होता है उसका कम्निकेशन। आप कम्निकेशन में अच्छे नहीं होते और उस उस यहां पे आउट हो जाते हैं और उसी वजह से हमारी टीम यहां पे अगर एफर्ट डाल रही है तो उसके पीछे रीजन है हमें पता है कि आपकी वीकनेस कहां वीकनेस को दूर करना बेटा हमारा काम है इसलिए यहां पे क्या करेंगे यहां पे वो करेंगे फाउंडेशन के सिलेबस वीडियो आज से या कल से आना शुरू हो जाएंगे और फाउंडेशन में ये क्लास आपको यूट्यूब पे ही करनी है ये क्लास आपके फाउंडेशन के लिए जो कॉन्सेप्ट के रूप में जो क्लास सीरीज चालू होगी जो वो आपको मस्ट ज्वाइन करनी है बेटा क्योंकि ये फॉरेन रिलेशन वगैरह जो आप यहाँ से यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में मैं बोलता हूँ यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में जाओगे तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट क्लासेस हम डिस्कस करेंगे उनसे बाहर से आपका डिस्कशन नहीं होगा किसी भी क्लास में मतलब यूपीएससी की कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो उसके अंदर इवन में यहाँ पे स्टेट लेवल की जो आर एस सॉरी आर एस लेवल की एग्जाम्स है उनको भी मैं कम्पीट कर सकता हूँ उनको भी मैं मतलब कि यहाँ पे है वो कर सकता हूँ कि यहाँ से हमारा जो डेटा है वो इनसे बाहर नहीं जालेगा अगर आप इंटरव्यू की बात करो तो है ना तो यू की जो यू की जितनी भी एग्जाम्स है उनके लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स है उसके अंदर डेफिनेटली है यू कैन ज्वाइन अस यहाँ पे उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है बेटा वो आपकी स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा बेटा है ना एक चीज अच्छी लगती है आपकी मतलब दैट इज वेरी गुड थिंग है ना मुझे जब लगता है शुरू में बच्चे आते हैं सर इन इन करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर आपस में जो ग्रीटिंग्स करते हैं ना अच्छा अच्छा सोहन आ गया अच्छा मोहन मैं भी आ गया हूँ तुम भी पिछली क्लास में थे मैं भी तो तो ये एक दूर से रह के भी एक जो हमने वर्चुअल एनवायरमेंट बना लिया है वर्चुअल जो क्लासरूम बना लिया है जिसमें आप मतलब कि दूर दूर हिंदुस्तान के हर कोने से बैठे हुए हैं लेकिन वहां से भी आपको ऐसे लगता है कि जैसे सेम क्लास के अंदर चल रहे हैं ना यहाँ पे कल परसों एक बच्चा मतलब कि डिस्टर्बेंस कर रहा था और उसको मैंने ब्लॉक किया इतने के अंदर है दूसरा बच्चा उसका अपोज करने आ गया सर उसको ब्लॉक क्यों कर दिया फिर उसको किया तो इतने में तीसरा आ गया तो मुझे फील हुआ कि यार कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है मतलब कि एक यहाँ पे हम डिस्टेंस लर्निंग से क्लास करते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के मतलब कि नाम वगैरह है वो एक जाने पहचाने से वो लगने लगते हैं बेटा तो दैट इज वेरी गुड थिंग ठीक है तो यहां पे पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे बेटा मिनिस्ट्री ऑफ दी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रिलीज यू एस डी सेवेंटी टू थाउजेंड वन ट्वेंटी फोर टू विच इंस्टीट्यूशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ द डॉपिंग इन द स्पोर्ट्स डॉपिंग का मतलब है ड्रग्स वगैरह जैसे कई लोग क्या करते हैं रनिंग वगैरह में जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर ड्रग्स लेकर और बाद में मतलब कि इवेंट में जाते हैं तो ड्रग्स लेने के बाद में डेफिनेटली आपकी बॉडी मतलब कि आपके हिसाब से नहीं ड्रग्स के हिसाब से काम करती है तो डॉपिंग वगैरह ड्रग्स वगैरह है वो यहाँ पे किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में या यू कैन से नेशनल इवेंट में अलाउ नहीं है और एंटी डोपिंग के लिए यहाँ पे इंडिया ने जो फंडिंग दी है वो किसको

वो यहाँ पे किसके अंदर आ गई है बेटा दुर्गा पूजा आपका यूनेस्को हेरिटेज के अंदर काउट हो गई है और दूसरी रिसेंटली हुई है वो मेघालय के लाइव रूट्स मेघालय के लाइव रूट ब्रिज इनके अंदर क्या है बेटा कि यहाँ पे जो पेड़ है बहुत सारे जैसे बरगद का पेड़ हो गया है बहुत बड़े बड़े पेड़ है मेघालय के अंदर वहां से वो क्या है कि जैसे कोई नाला है तो नाला के ऊपर दोनों पेड़ों को आपस में बांध के और उनकी जड़े वगैरह को या उनकी टहनियों को बांध के और उसी को मतलब कि ब्रिज का मतलब की है वो वहां पे यूज़ किया गया तो एक नेचुरल मतलब कि किस हिसाब से हम नेचर के साथ में रह के हैं वो जीवित रह सकते हैं उसका एक प्रमाण है तो उसी वजह से वो भी एक यहाँ पे यूनिस्को हेरिटेज के अंदर एड किया गया है और यहाँ पे ये दुर्गा पूजा वाला पाठ है ये भी आपका यूनिस्को हेरिटेज के अंदर है वो ऐड हो चुका है आपकी यूपीएससी के एग्जाम में रिसेंटली यहां पे सीएपीएफ वगैरह में है वो पूछे जा चुके हैं बेटा ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर है, है ना चा... चेंजेस सॉरी चार्जेस सीन इन द न्यूज समाइम्स इन एसोसिएट विथ विच सेक्टर कभी कभी सम, समाचार में देखा जाने वाला नेटवर्क संचालन और नियंत्रण केंद्र शुल्क के, किस क्षेत्र से संबंधित है एक तो होता है कमांड सेंटर है ना कमांड सेंटर कमांड सेंटर कभी आई टी सेक्टर में यहाँ पे काम किए हो या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करोगे आगे तो जानोगे कमांड सेंटर क्या होता है कमांड सेंटर आपका अगर मैं माई राजिंग इंडिया का कमांड सेंटर की बात करूं तो माई राजिंग इंडिया का जो आपका हेल्प डेस्क है हेल्प डेस्क डिपार्टमेंट है है ना वो कमांड सेंटर है कमांड सेंटर क्या करता है कमांड सेंटर एक तरह से आपका जो जितना भी सब कुछ चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग करता है जैसे अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले स्टूडेंट्स रिपोर्ट कहाँ पे करेंगे सबसे पहले बच्चे रिपोर्ट कहाँ पे करेंगे हेल्प डेस्क पे करेंगे और वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वैसे ही कमांड सेंटर होता है तो वैसे ही यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर है अपना एक कमांड सेंटर होता है जिससे कि वहाँ पे कैमरे वगैरह है और सारी फैसिलिटीज होती है जिससे कि वो अप टू डेट रह सके तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है नेटवर्क संचालन नियंत्रण केंद्र शुल्क है वो किस क्षेत्र से संबंधित है बेटा ये है आपका टेली रिलेटेड और टेलीकम्युनिकेशन पे हमने कल क्वेश्चन किया था यहाँ पे कि 5G जी रोल आउट और कल यहाँ पे मुकेश अंबानी जी भी बड़ी बढ़ चढ़ के बात कर रहे थे तो यहां पे क्या कर रहे हैं फाइव जी नेटवर्क से रिलेटेड यहाँ पे है वो स्पेक्ट्रम रिलीज हो चुका है लगभग साढ़े चार लाख करोड़ रुपए का है ना और यहाँ पे मुकेश अंबानी जी बोल रहे हैं कि अगले साल तक दो हजार तेईस से पहले पहले हिंदुस्तान के हर छोटी तहसील तक यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा फाइव जी नेटवर्क है वो पहुंच जाएगा और फाइव जी नेटवर्क वैसे आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ से आसमान से तारे टूटेंगे या क्या होगा ऐसा कुछ नहीं है जैसा फोर जी नेटवर्क है वैसा ही फाइव जी नेटवर्क है थोड़ी सी स्पीड है उसके अंदर कंफर्टेबल हो जाओगे जैसे आप थ्री जी के अंदर आप जाओगे तो अनकंफर्टेबल लगते हो राइट तो वैसा ही है कि बाद में 5G नेटवर्क से जब 4G में आओगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा क्या स्पीड है वो अच्छी नहीं आ रही है ठीक है बेटा ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा वर्ल्ड इन्वे, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज द फ्लेक्सी रिपोर्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान की प्रमुख रिपोर्ट है किसकी प्रमुख रिपोर्ट है बेटा तो यहाँ पे आपकी वर्ल्ड बैंक है आई मैप है एंड डब्ल्यूटीओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको है डब्ल्यूटीओ की इसको क्या बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ के अंदर कोई भी जैसे दो कंट्रीज है दो कंट्रीज में से मान लो कि अगर डिस्प्यूट हो जाती है किसी ट्रेड को लेकर या किसी बात को लेकर ट्रेड से रिलेटेड किसी भी इश्यूज को लेकर तो वो कहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर रिपोर्ट कर सकते हो वहाँ पे केस फाइल होगा और जो विनर होगा उसको मतलब की है उसके अकॉर्डिंग है आगे एक्शन होगा तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका ट्रेड से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितनी प्रॉब्लम्स है उनको सबको देखता है वर्ल्ड बैंक है वो यहाँ पे इंटरनेशनल लोन प्रोवाइड करने का काम करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर किसी भी देश के पास में अगर क्राइसिस होता है तो उसको लोन देने का काम करता है आईएमएफ से अभी जैसे श्रीलंका है श्रीलंका ऑलरेडी आईएमएफ की मतलब से हाथ जोड़े खड़ा है पाकिस्तान ऑलरेडी मतलब की है वो यहाँ पे क्या है पाकिस्तान ऑलरेडी यहाँ पे है, कटोरा लेके खड़ा है आई के सामने और आई एम बोल रहा है कि नहीं ऐसे पैसे नहीं दूंगा क्योंकि वो आपस में ही लड़ रहे हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो आपस में ही लड़ रही है उनके वीडियोस रिलीज हो रहे हैं तो पाकिस्तान वहाँ पे खड़ा है बांग्लादेश भी यहाँ पे क्या है बांग्लादेश यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कि कहाँ है बोल रहा है कि हमें भी लगभग चार बिलियन यू का यहाँ पे यू का है आई फंड चाहिए और उसके साथ ही नेपाल भी नेपाल भी यहाँ पे क्या है आईएमएफ की शरण में जा चुका है तो यहाँ पे कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और बहुत अच्छा खासा बड़ा आर्टिकल था आपका ज्यूडिशियल रिलेटेड टॉपिक हो सकता है कि ऐसा क्या है ऐसा क्या है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वो सारे यहाँ पे है वो उसके पास में आईएमएफ के पास में जा चुके हैं लेकिन इंडिया ने ऐसा क्या किया कोविड के टाइम पे कि यहाँ पे क्या हो रखा है अभी भी हमारे पास स्टेबिलिटी है अगर हम बात करें अभी हमारे पास टोटल बांग्लादेश के पास जैसे फाइव मंथ का क्या है फाइव मंथ का इंपोर्ट करने का पैसा बचा हुआ है हमारे पास कितना है अभी बेटा हमारे पास लगभग 11 मंथ का इलेवन मंथ का यहाँ पे पैसा बचा हुआ है हमारे पास हम अभी भी अगर मान लो कि कोई भी पैसा हमारे पास और नहीं आता है तो अभी हम ग्यारह महीने तक कंटिन्यू है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं है ना तो ये चीज़ें हैं तो यहाँ पे इसका मेजर फैक्टर क्या होता है वो होता है आपका एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अगर जितना भी देश के अंदर ज्यादा आता है उतना ही मतलब कि उस देश के अंदर मतलब कि उसकी फॉरेन जो रिजर्व है वो बढ़ता है तो यहां पे इसके ऊपर जो रिपोर्ट जारी की है वो किसने जारी की है बेटा यूएनसी की फुल फॉर्म क्या है बेटा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन दी ट्रेड एंड डेवलपमेंट इन्होंने ये रिपोर्ट दी है इन्होंने ये रिपोर्ट देकर बोला है कि इंडिया का एफ है वो यहां पे लगभग आपका सिक्सटी बिलियन यूएसडी हुआ है बिलियन यूएसडी है वो हुआ है 2021-22 में 2021 2022 के अंदर मतलब कि एफ है वो हमारा रिड्यूस हुआ है लेकिन अभी भी मतलब कि लगभग हम टॉप कंट्रीज़ के अंदर है वो सेवंथ पोजीशन पे अभी भी बनाए हुए हैं अपने आप को मतलब कि हम सेवंथ रैंक पे है एफ के मामले में है वो अभी बनाए हुए हैं एफ क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई भी बाहर का देश है देश के बाहर का कोई भी आदमी है वो क्या कर सकता है वो कर सकता है मतलब कि पैसा लगा सकता है एक बच्चा सही कमेंट कर रहा है कि हिंदुस्तान कब गया था आई के पास में हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार गए हैं और वो गए हैं 1991 में 1991 में बड़ी दयनीय सिचुएशन हो गई थी हमारी और उस टाइम पे पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ही ऐसी हो गई थी कि हमें क्या करना पड़ा था आई के पास में क्यों क्योंकि उस टाइम पे यूएसएसआर का विघटन हो चुका था और उसी वजह से हमारी कंप्लीट डिपेंडेंसी क्या थी मोस्ट ऑफ दी थिंग्स पे यूएसएसआर पे थी और उसी वजह से क्या होता था कि एकदम से हम बैकफुट पर आ गए थे फिर हमने यहाँ पे जो अपने रिफॉर्म्स है वो ओपन किए थे और रिफॉर्म्स का मतलब कि हमने ग्लोबलाइजेशन है उसको एक्सेप्ट किया था ग्लोबलाइजेशन के मतलब कि बाकी कंपनी से वो आके हिंदुस्तान के अंदर है वो यहाँ पे क्या कर सकती है पैसा इन्वेस्ट कर सकती है और उसके बाद में रेपिडली है हमारी ग्रोथ है वो आगे बढ़ना शुरू ही ठीक है बेटा तो ये हम एक बार गए थे सिर्फ वो गए थे नाइनटीन वन के अंदर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा यहां पे ई e कॉमर्स के माध्यम से निर्यात आयात के भुगतान के लिए निपटान के लिए किस संस्थान ने मसौदा दिशा निर्देश जारी किए विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर सेटलमेंट टीवा क्या बोल रहे हैं ये यहां पे विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट थ्रू दी ई कॉमर्स है ना ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सेटलमेंट के लिए कौन सा बैंक है वो यहाँ पे या कौन सा मतलब की डिपार्टमेंट है वो काम करता है बेटा तो करेक्ट आंसर क्या है वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे ये यह क्या करता है देखता है और अगर आप यहां पे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भी ट्रांसफर करते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एच से एस डी एफ सी से एस डी एफ सी से क्या करते हो आप यहां पे एस बी आई के अंदर पैसा ट्रांसफर करते हो तो वो पैसा भी किसके थ्रू जाता है वो भी वाया आर बी आई ही जाता है आरबीआई के थ्रू ही मतलब की है आपने अगर नेफ्ट करते हो तो वाया आर बी आई जाता है वो बेटा पैसा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे बेटा रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किस भाषा की पुस्तक के भारतीय भाषा अंग्रेजी भाषा में सर्वश्रेष्ठ अनुवाद को दिया जाता है मतलब कि कौन सा ऐसा अवार्ड है या कौन सी भाषा में है? मतलब कि रोमेन रोलैंड बुक प्राइज इज अवार्डेड टू द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस लैंग्वेज बुक इन टू इंडियन लैंग्वेज मतलब कि ऐसी कौन सी मतलब कि लैंग्वेज है जिसकी बुक को हम यहाँ पे हिंदी या मतलब कि कोई भी इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश के अंदर है वो कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है तो कौन सी बेटा ये है आपकी फ़्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज से कोई भी बुक है वो यहाँ पे अगर आप इंग्लिश के अंदर इंग्लिश के अंदर या यहाँ पे कोई भी इंडियन लैंग्वेज कोई भी इंडियन लैंग्वेज ले सकते हो इंडियन लैंग्वेज उसके अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इस अवार्ड को दिया जाता है ठीक है बेटा बुक से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता है एनडीए या सी डी एस में जनरली एक या दो क्वेश्चन आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफ दी फोर्थ चेस ओलंपियाड टू बी होस्टेड बाय चेन्नई इन ट्वेंटी टू दो हजार बाईस में जो हमने यहाँ पे मतलब कि जो होस्ट कर रहे हैं मास्कोट ऑफ द फोर्टी फोर्थ चेस ओलंपियाड चम्बालिस जो चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कहाँ पे ऑर्गेनाइज करें बेटा ये चेन्नई में तो उसका मतलब कि जो मास्कोट का मतलब कि उसका थीम क्या है या उस हिसाब से आप बोल सकते हो या जो आपका वो होता ना कि एक एक, एक वर्ड क्या है तो वो क्या है बेटा वो है आपका थाम्बी थाम्बी है और थाम्बी का मतलब होता है यंगर ब्रदर यंगर ब्रदर किसी को तमिल आती है कि है तमिल के अंदर कभी काउंटिंग करके सुनना ना बेटा नान उन्ने मुने नाल है, काउंटिंग करके देखना कभी है ना तमिल के अंदर जब मैं एक डेढ़ साल तमिल में तम, उसमें चेन्नई में रहा था तब बड़ा समस्या हो गई थी क्योंकि वहां पे लोग क्या करते हैं कि हिंदी वहां पे किसी को आते नहीं है और जनरली ऑफिशियल कन्वर्सेशं के अंदर भी वो क्या करते हैं वो इंग्लिश के साथ ही साथ तमिल को मिक्स कर देते हैं और उस वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा एडीबी साइन एंड एग्रीमेंट with इंडिया टू ऑफर यूएसडी 2 मिलियन फॉर अर्बन डेवलपमेंट projects इन which स्टेट एडीबी ने किस राज्य में शहरी विकास परियोजनाओं के लिए 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की पेशकश के लिए भारत के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है ना तो एक चीज तो यह है कि यहां पे कौन से बैंक ने एशिया डेवलपमेंट बैंक एशिया डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे बेटा हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये है आपका मनीला के अंदर मनीला कहाँ पे है फिलीपींस की कैपिटल है बेटा फिलीपींस की कैपिटल है और फिलीपींस का आपका पिछली बार एनडीए को वो क्वेश्चन क्या आया था कि हमने फिलीपींस के साथ में कौन सी डील साइन की बेटा ब्रह्मोस डील साइन की है ब्रह्मोस डील लगभग तीन मिलियन की ठीक है बेटा तो यह है अब क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे एडीबी ने किस राज्य के शहरी विकास परियोजनाओं के लिए टू मिलियन अमेरिकी डॉलर की पेशकश करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया तो ये कौन सा स्टेट है बेटा यह है आपका नागालैंड और नागालैंड से रिलेटेड रिसेंटली अगर देखो आप न्यूज में जो मतलब की खबरें आई है उनके अंदर रिसेंट न्यूज क्या है कि यहाँ पे नागालैंड के पास में क्योंकि हमारा यहाँ पे नागालैंड है इधर आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है इधर नागालैंड आ जाता है और इधर से फिर असम आ जाता है ना तो ये वाला सेक्शन है ये आपका नागालैंड वाला पोर्सन है ये वाला पोर्शन है वो क्या है नागालैंड वाला पोर्शन है तो यहाँ पे क्या किया था यहाँ पे अभी जो म्यांमार है म्यांमार साइड से मतलब कि टेरिस्ट लोग हैं या यू कैन से जो उग्रवादी लोग हैं उन्होंने हमारी जो चौकी भी थे या यू कैन से जो पेट्रोलिंग पार्टी थी उस पर अटैक किया था जिससे कि कुछ सोल्जर्स है वो यहाँ पे इंजर्ड हो गए थे क्योंकि नागालैंड में जितने भी टेरिस्ट ग्रुप है उनको मोस्टली क्या है चाइनीज फंडेड मतलब कि टेरिस्ट है ग्रुप वहाँ पे फलते फूलते हैं चाइनीज यहाँ पे वेपन्स वगैरह सब कुछ है वो चाइनीज ही यहाँ पे देखने को मिलता है तो आपका एसएसबी के अंदर भी यहाँ पे है क्यूशंस वगैरह है वो आ सकता है एक और इंसिडेंट हुआ था जब इंडियन मतलब कि जो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे क्या किया था कि इंडियन मिलिट्री है उन्होंने यहाँ पे मतलब कि लगभग चार या पाँच जो विलेजर्स है उनको उग्रवादी समझ के और उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद में क्या हुआ था कि गांव वाले हैं वो सारे इकट्ठे होकर आ गए थे और उनके बाद में सेल्फ डिफेंस में फोर्सेस को गोली चलानी पड़ी थी जिसके बाद में क्या हुआ था बारह लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद में तमिल इसमें नागालैंड के अंदर अप्सपा लगा हुआ है है ना अपसपा लगा हुआ है अपसपा क्या है आपका ये आपका नाइनटीन फिफ्टी सेवन का एक्ट है जो स्पेशल पावर्स देता है आर्म्ड फोर्सेस को है ना आर्म्ड फोर्सेस को तो नागालैंड से अपसपा उठाने की डिमांड है वो वापस वहाँ पे उठने लगी थी अफ्सवा अभी रिसेंटली कहांका पे है अफ्सवा मोस्टली यहाँ पे आपका नागालैंड में लगा हुआ है मणिपुर में लगा हुआ है यहां पे मणिपुर में मिजोरम में का पता नहीं यहाँ पे मणिपुर में है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर है हो सकता है एक आधी जगह और हो बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है नागालैंड वाले वैसे डॉग वगैरह भी खा जाते हैं जब मैं सिलचर के अंदर देखा था कि वहाँ पे मतलब कि वो है उनका खान पान मतलब कि वैसा ही है उधर के लोग हैं तो उनका थोड़ा सा खान पान है वो ट्राइबल एरियाज से बिलोंग करते हैं उधर मैक्सिमम लोग तो खान पान उनका थोड़ा हट के है कम्पलीटली राइस मोस्टली फूड में राइस ही चलता है कम्पलीट नॉर्थ ईस्ट में चपाती वगैरह तो आपको देखने को नहीं मिलेगी वहाँ पर किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 22 से सम्मानित किया गया यहां पे क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ले लो यहां पे क्योंकि यहां पे क्या है ये क्वेश्चन आपका आ सकता है इस तरह का आपका तो ये किसको मिला गया बेटा रॉयल गोल्ड मेडल ट्वेंटी टू यह है आपका बालकिषण दोषी को मिला है बेटा किसको मिला है बाल दोषी को मिला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा विच स्टेट यूटी लॉन्च फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च किया है इसका मतलब क्या है है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आधार कार्ड से ऐड कर दिया है आधार कार्ड है उसके साथ में ऐड कर दिया है और आधार कार्ड से ऐड करके और वहां पे क्या है कि जितनी भी जो फार्मर्स की जो बेनिफिशरीज है या फार्मर्स रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज है उनको यहाँ पे क्या है उनको यहाँ पे इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है? तो ये कहां पे किया गया बेटा ये आपका कर्नाटका के अंदर है वो किया गया है ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है किस वर्ष में बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था यहाँ पे इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है किस वर्ष में बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो ये तो यहाँ पे एक सौ इकतीसवीं अभी सालग्रह सेलिब्रेट की गई है अम्बेडकर साहब की है ना रिसेंटली तो उस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आया था और इनको जो बी आर है है ना उनको यहाँ पे भारत रत्न कब दिया गया था 1990 में दिया गया था अब आप समझ सकते हो कि जो जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब कि एक तरह से लीडर था या यू कैन से मेन करता धरता था उस बंदे को 50 साल तक हमने क्या किया था पचास साल तक यहाँ पे पचास साल नहीं बोलूंगा लेकिन फोर्टी थ्री फोर्टी फोर ईयर्स के बाद में जाके उसको भारत रत्न अवार्ड है वो दिया गया जबकि बाकी जो नेहरू जी है उन्होंने अपने कार्यकाल में ही भारत रत्न ले लिया था इंदिरा गांधी जी है उन्होंने अपने कार्यकाल में ले लिया था राजीव गांधी जी को भी बहुत जल्दी है अवार्ड मिल गया था तो वो चीज़ें हैं कि यहाँ पे इनको मतलब कि कहाँ जाके कब जाके मिला है 1990 के अंदर जाके भारत रत्न मिला है आपके लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है कि लास्ट जो आपका भारत रत्न अवार्ड है वो कब मिला था बेटा तो ये आपका 2019 के अंदर है 2019 के अंदर है भारत रत्न दिया गया था तीन लोगों को जिसके अंदर जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी उसके बाद में भूपेन हजारिका काफी पॉपुलर बंदा है यहां पे तो यहां पे भूपेन हजारिका कहां से है आसाम से है और यहां पे नानाजी देशमुख इन तीन लोगों को यहां पे है क्या दिया गया था यहाँ पे भारत रत्न है वो दिया गया था ठीक बेटा भारतीय रत्न इसको याद रखना बेटा क्वेश्चन है वो इनका आ सकता है लास्ट में लास्ट किनको मिलाता है मैं भी अपने कार्यकाल में ले लूंगा बिल्कुल बिल्कुल पहले आप पहले एयरफोर्स एनडीए सेलेक्ट करो एनडीए बाद में पहले सीडीएस की पोस्ट तक जाओ और उसके बाद में कुछ सोचना बेटा है ना सोचो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम हमसे पढ़े हुए चैंपियंस में से कल को, को यहां पे है को आर्मी चीफ एयरफोर्स चीफ या नेवी चीफ बनेगा कोई सी बनेगा है तो कितना अच्छा वो गोल्डन टाइम होगा हमारे लिए है तो यहाँ पे सोच के मन में लड्डू फूट रहे हैं सबके हैं कि हम आर्मी चीफ तक की पोस्ट भी जा सकते हैं क्या बिल्कुल जा सकते हो बेटा ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं जा सकते और सीडीएस का नेक्स्ट सी की वे नाम उजागर होने वाला है ये समझ लो और अगर वो नेक्स्ट सीडीएस का नाम उजागर हुआ तो सी डी एस रिलेटेड आपके एस में क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट कंफर्म है बेटा तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा स्टडी है वो कर लेना कैथलीन नोवेक वॉज इलेक्टेड रिसेंटली एज द फर्स्ट फीमेल एंड यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री यहाँ पे कौन से कंट्री की यहाँ पे कैथलीन नोवेक है वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी यहाँ पे तो ये कहा की बेटा ये है आपके हंगरी की है 44 फोर ईयर्स ओल्ड है ये फोर्टी फोर ईयर्स ओल्ड है और एक बवाल और हो रखा था भी ट्विटर पे आग लगी हुई थी एक वीक से है ना हुआ क्या था वह यह था कि यहाँ पे शायद स्वीडन की थी और स्वीडन की स्वीडन की जो प्रेसिडेंट थी उसने क्या किया था कि वो भी यंग लेडीज है लगभग चालीस पैंतालीस साल के आसपास की तो उसने क्या किया कि प्राइवेट और ये रियलिटी है यूरोपियन कंट्रीज़ में अब हमारे यहाँ पे तो क्या वीआईपी कल्चर बहुत अलग है हमारे यहाँ पे तो मतलब कि पीएम हो गया सीएम हो गया उससे छोटा भी एम पी एम एल ए भी छोड़ों की पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं एम पी एम एल ए भी यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे मतलब कि हॉर्न मारती हुई यहाँ पे क्या जाएगी गाड़ी अलग जाएगी है ना रेड रेड लाइट वाली गाड़ी चलेगी यहाँ पे लेकिन वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं है जैसे मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे कभी आज तक ऐसा याद नहीं था वहां पे सिर्फ एक बार सायरन बजता था अगर आपकी फायर अलार्म है वो यहाँ पे पूरे रोड से यहाँ पे सायरन देता हुआ जाता था और उसके सारा ट्रैफिक को साइड में कर देते है उसके अलावा किसी भी वीआईपी के लिए मैंने कभी नहीं देखा कि वहाँ पे ट्रैफिक है वो वहाँ पे होल्ड किया गया हो तो वहाँ पे काफ़ी कॉमन है और वहाँ पे इवन जैसे अंजिरा मोर्किल है अंजिरा मोर्कल वहाँ की चांसलर रही है लेकिन वो खुद भी अपना मतलब कि क्या है अपना सामान वगैरह है वो ग्रोसरी का सामान वगैरह लाने के लिए खुद वहाँ पे स्टोर पर जाती थी तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पे कितना कॉमन है वहाँ पे और वहाँ से जो क्लाइंट यहाँ पे इंडिया में आया था तो वो ही वॉज कम्पलीटली शॉक्ड मैन उसको जब पता चला यहाँ पे जब उसने मेरे से बात करा तो मैंने बताया मैंने कहा हमारे तीन चार तरह के तो मैड आते हैं कैसे मैंने कहा कुकिंग करने वाली मेड अलग आती है झाड़ू पोछा करने वाली मेड अलग आती है फिर यहाँ पे मैंने कहा बाथरूम साफ करने के लिए मेड मेडिया बंदा है वो अलग आता है उसके बाद में मैंने कहा कि आपके बर्तन धोने वाली मेड अलग आती है मैंने कहा वो चीजें यहाँ पे लाइफ है इंडिया, इंडिया के अंदर कंप्लीटली अलग है वो डायरेक्टर की पोस्ट पर था तो वो क्लाइंट इतना सोग्ड हो गया कि यार हमारे वहाँ पे मैं डायरेक्टर की पोस्ट में हूँ लेकिन मैं ओले की सारे काम है खुद करता हूँ तो वो एक वहां की लाइफ है वहां की लाइफ में क्या है कि लोग मतलब की है सेल्फ डिपेंडेंट है हमारे यहां पे क्या है कि सर्विस सेक्टर है वो बहुत एडवांस है हमारे यहां पे हर चीज की फैसिलिटी मिल जाएगी ठीक है नोवा को हाल ही में किस देश की पहली महिला और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति रूप में चुना गया है। यह है आपका हैंगरी तो वो जो अभी स्वीडन की प्रेसिडेंट थी शायद जो मतलब उन्होंने क्या किया था पार्टी के कुछ उनके प्राइवेट वीडियोस है जिसमें वो डांस करते हुए है और डेफिनेटली है पार्टी करते हुए है वो वीडियोस लीक हो गए थे और उसके बाद में मतलब कितना बवाल हुआ कि उसको खुद को आके एक्सप्लेन करना पड़ा कि दैट इज़ माई प्राइवेट लाइफ मैं अपना काम हूँ वो टाइम टू टाइम कर रही हूँ मैं ऑफिस टाइम टू टाइम जा रही हूँ सब कुछ डिलीवरी मेरे टाइम टू टाइम कर रही है तो वो वीडियो है तो बोले कि दैट इज़ माई कंप्लीटली माई प्राइवेट लाइफ लेकिन उसके बाद में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था बेटा ठीक है बेटा करंट अफेयर्स रिवीजन कैसे करें करंट अफेयर्स की अगले चार दिन की क्लासेज लो पूरा रिवीजन हो दोबारा चार दिन के अंदर दोबारा रिपीट होने वाला है बेटा भारत में बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह कब मनाया जाता है वेन इज द एलिमिनेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर वीक ऑब्जर्व इन दी इंडिया कब मनाया जाता है बेटा तो ये है आपका जून ट्वेल्थ से लेके जून ट्वेंटी के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड दस हैव वीटो पावर है ना ये क्वेश्चन तो आपको वैसे करवा करवा के हम थक चुके हैं तो यहाँ पे क्या है कि कितने परमानेंट मेंबर्स है वो पांच परमानेंट मेंबर्स है जिनके पास में वीटो पावर है ये न्यूज में क्या है ये न्यूज में इसलिए आया कि यहाँ पे क्या है अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में है रशिया यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है और उसी वजह से बार बार क्या है कि वहां पे सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर है रिजोल्यूशन ले आ रहे हैं लेकिन हर बार क्या हो रहा है चाइना एबसेंट हो रहा है और यूके क्या कर रहा है उसको मतलब कि रशिया उसको क्या कर रहा है रशिया उसको ब्लॉक कर रहा है तो यहाँ पे कि वहां पे उस कंट्री पे प्रेशर बने इसलिए एक नया रिजोल्यूशन पास किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक नया रिजोल्यूशन पास किया गया है जिसमें क्या बोला गया है कि अगर किसी भी सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रिजोल्यूशन आया और अगर वो एक्सेप्ट नहीं किया गया मतलब कि किसने वीटो पावर लगा दी उसके ऊपर तो वो यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल से फिर यहाँ पे क्या है उसके ऊपर डिस्कशन होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में है ना तो एक तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो कंट्री मेंबर कंट्रीज है उन प्रेशर बनाने के लिए टेक्निक्स ली गई है कि कोई भी अगर रेजुल्यूशन पास नहीं हो रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो उसके ऊपर डिस्कशन होगा किसके ऊपर अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह ली है यह भी अच्छा क्वेश्चन है और आपका एग्जाम के अंदर है वो आ सकता है यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ था इसके अंदर ये 2006 से ये पोस्ट शुरू हुई है 2006 से ये पोस्ट है वो शुरू हुई है और उसके साथ ही यहाँ पे क्या है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है उसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स है बेटा इसके अंदर यहाँ पे टोटल है वो फोर्टी सेवन है फोर्टी सेवन है ठीक है टोटल 47 सेवन मेम्बर्स है और इसके अंदर से क्या हुआ था कि रशिया को एक्सपेल्ड कर दिया गया था एक तरह से निष्कासित कर दिया गया है यूक्रेन के अंदर अटैक करने की वजह से और वहाँ पे जो मतलब ह्यूमन राइट वॉयलेस हुए उसकी वजह से तो उसके बाद में उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट किसको किया गया है वो किया गया है? कजाक रिपब्लिक कजाक रिपब्लिक है उनको रशिया की जगह पर यहाँ पे क्या किया गया है? ये दूसरा तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है ये आपके सामने अब देख लो आप कितना याद रहता है आपको है ना यहाँ पे फिफ्टी तो ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास ही पहली बार देख रहे होंगे मेरी है ना लास्ट वीक के अंदर की चलो कुछ मिलेगा वही जो पंजीरी मिलती है वो ले लेंगे है ना तो यहाँ पे कजाक रिपब्लिक है जिसकी कैपिटल क्या है बेटा आप कजाक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग 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 यूरोप की मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है ठीक है बेटा तो यहां पे क्या होता है कि इसके अंदर ये 47 सेवन में इनको सेगमेंटेशन में या ग्रुप्स के अंदर एरिया वाइज डिवाइड किए हुए हैं और उससे रशिया को निकालने के बाद में पे एक ही कंट्री बचा था जिसको जो इसका मेंबर कंट्री नहीं था वो था वो कजाक रिपब्लिक और उस वजह से क्या है उसको वहां पे जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसके अंदर रशिया का रिप्लेसमेंट के रूप में चूज किया गया है ठीक है बेटा इस करने वालों को जगह नहीं है बेटा आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिर से इस पे हम करने के लिए दूसरी आई डी बना के आना पड़ेगा ना? है ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हाँ ये थ्योरी मैंने लिख ली थी कि कम से कम थोड़ा सा समझ में आया आपको तो ये क्या है आपकी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है और उसके साथ इसके अंदर टोटल 47 मेंबर्स है जो मतलब कि तीन साल के कार्यकाल के लिए इलेक्ट होता है जो भी मेंबर होता है वो तीन साल के लिए कार्यकाल के लिए है इलेक्ट होता है और रीजनल ग्रुप के बेसिस पे होता है और उसका हेडक्वार्टर कहां पे हा ये पॉइंट मिसिंग था इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशनल ऑफिस एट दी जेनेवा इन स्विट्जरलैंड है ना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है बेटा ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा ठीक है? किस देश ने नए व्यापार गलियारे का उपयोग करते हुए भारत को रूसी माल का हस्तांतरण अस्तां, किया है यह आपका एसएसबी में डिस्कस होने वाला क्वेश्चन है बेटा एसएसबी के अंदर डिस्कस होने वाला क्वेश्चन है है ना किस देश ने नए व्यापार गलियारे का उपयोग करते हुए भारत को रूसी माल का हस्तांतरण शुरू किया है तो ये करेक्ट आंसर क्या है बेटा करेक्ट आंसर देखो और उसके बाद में इस पर डिस्कस करते हैं ये है आपका ईरान ईरान ने क्या किया है कि यहाँ से कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ये हमारा हिंदुस्तान है हिंदुस्तान है और इसी वजह से ये जियो स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एस एस बी के अंदर इसका डिस्कशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा समझ लो इसके अंदर ये हिंदुस्तान है ये पाकिस्तान है है ना ये पाकिस्तान है पाकिस्तान ने क्या किया है सी के थ्रू सी के थ्रू यहाँ पे क्या किया है ये कौन सा है इसका है ना ग्वादर पोर्ट यहाँ पे कौन सा पोर्ट है ग्वादर पोर्ट है जो बलुचिस्तान के अंदर है तो ग्वादर पोर्ट से क्या किया है चाइना ने यहाँ पे डायरेक्ट सीपे के थ्रू है ना सीपे के थ्रू या मतलब की कनेक्टिविटी बना ली है उसको काउंटर करने के लिए यहां पे क्या किया है इंडिया ने चाबार पोर्ट है चाबार पोर्ट कहां पे है यहां पे ईरान के अंदर है ईरान से चाबार पोर्ट से यहाँ पे क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान है वो इधर से अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाने का अलाउ नहीं कर रहा था डायरेक्ट बार बार मतलब पाकिस्तान जब चाहे तब यहाँ पे क्या करता है रोक लगा देता है है ना तो हमें क्या इधर से डायरेक्ट है वो अफगानिस्तान जाने की परमिशन नहीं दे रहा पाकिस्तान तो उस वजह से इंडिया ने क्या किया यहाँ पे चाबार पोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया चाबार पोर्ट कहाँ पे है ईरान के अंदर है वो लगभग सेवेंटी एट्टी मील दूरी पे है ग्वादर पोर्ट से मतलब ग्वादर पोर्ट के जस्ट पास में ये एक तरह से मान लो तो यहाँ से क्या है कि इंडिया अब यहाँ से चाबार पोर्ट से होता हुआ इधर से सेंट्रल एशियन कंट्री में भी जा सकता है जैसे इंडियन इवन यहाँ पे शारदा डैम वगैरह जो बनाए थे उसके साथ साथ यहाँ पे ईरान इसके अंदर अफगानिस्तान के जा अंदर जाने के लिए भी रोड वगैरह और रेलवे ट्रैक वगैरह का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है वो किया था जिससे कि हम यहाँ से क्या है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जा सकें लेकिन अभी पिछली पंद्रह अगस्त को तालिबान ने टेकओवर कर लिया अफगानिस्तान में जिससे ये चीज़ें है वो अभी होल्ड पर चल रही है लेकिन लेकिन उसके साथ ही इंडिया ने क्या किया है रशिया जाने के लिए यहां पे क्योंकि एक तो रूट कहां से आता है रशिया से आपका यहां पे बाल्टिक सी से होता हुआ है ना सेंट पीटर्सबर्ग से होता हुआ बाल्टिक सी से होता हुआ यहां पे क्या है आपका ये वाला रूट है वो आता है तो उसको कम करने के लिए यहां पे क्या किया है कि डायरेक्ट हम यहां से कहां से ईरान से होते हुए ईरान से होते हुए हम क्या कर सकते हैं यहां से डायरेक्ट हम रशिया पहुंच सकते हैं और ये कहा किसके थ्रू जा रहे हैं हम चाबार पोर्ट के थ्रू जा रहे हैं बेटा ठीक हमारे आदित्य यादव साहब आ रहे हैं डीआरडीओ के चीफ कौन है चलो सर से पूछ ही लेते हैं जबकि सर चार बार डीआरडीओ चीफ कौन है वो करवा चुके हैं लेकिन यहां पे फिर से ज्ञान लेने के लिए कमेंट कुछ जरूर करेंगे नेगेटिव वाला है ना खबरों में रही क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी कौन से स्टेट में है यूटी में है बेटा तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन है जो आपके मतलब कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और उस वजह से यहाँ से क्वेश्चन है वो बन सकते हैं कौन से स्टेट में है बेटा ये आपका है जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर है यहाँ पे और इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यहाँ पे आपका इंदुस वाटर ट्रीटी आपको सबको याद होगा इंदुसवाटर ट्रीटी है वो सबको याद होगा इंदुस वाटर ट्रीटी कब साइन की थी हमने 1960 के अंदर 1960 के अंदर हमने यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में आज तक हमारी सबसे बड़ी गलती की थी एक तरह से इंदुस वाटर ट्रीटी साइन करके इंदुस वाटर ट्रीटी के बीच में अभी तक ये क्यों चल रही है जबकि पैसठ का वॉर हुआ उसके बाद में इगहत्तर का वॉर हुआ नाइनटी का वॉर हुआ है ना इतने सब कुछ होने के बाद में भी इंदुस्वाटर ट्रीटी क्यों अचल रही अटल रही क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का वो मीडिएटर है वर्ल्ड बैंक गारंटी क्या है वर्ल्ड बैंक गारंट्री यहाँ पे है तो उस वजह से क्या है कि इंडिया यहाँ पे चाह के भी इसको ब्रेक नहीं कर सकता वरना हमें क्या है कि मतलब कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का है वो प्रेशर झेलना पड़ेगा अगर हम वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे है एजे गारंटर तो वहां से मतलब को ब्रेक करते हैं तो अब यहाँ पे क्या हुआ था रिसेंटली सोलह या सत्रह के अंदर अभी रिसेंटली हमारे आर्मी जो मिलिट्री बेस है उस पर अटैक हुआ था और मिलिट्री बेस पे अटैक होने के बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच दिया था जिसके अंदर उसने बोला था कि वो मतलब कि ब्लड और वाटर साथ-साथ फ्लो नहीं हो सकता ब्लड एंड वाटर है वो साथ-साथ फ्लो नहीं हो सकता है ना और उसके बाद में एक तरह से ये अटकले लगाई जा रही थी कि क्या हम हिंदू स्वाट ट्रीटी को ब्रेक कर देंगे लेकिन बाद में कंक्लूजन ये निकला कि यहां पे जो हमारे थिंक टैंक्स वगैरह है उन्होंने ये सजेस्ट दिया कि यहां पे इंदुस वाटर ट्रीटी को मानते हुए भी अभी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे उसके अंदर रह के भी अभी हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पानी है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अब एक्चुअल में इंदुस वाटर ट्रीटी है क्या इंदुस वाटर ट्रीटी के अंदर हमारी छह रिवर्स है जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जा रही है जिनके अंदर आपकी इंदुस रिवर आ गई झेलम रिवर आ गई चिनाब रिवर आ गई रवि आ गई सतलज आ गई और ये कौन सी आ गई ब्यास आ गई है ना तो ये छह रिवर्स है आपकी सतलज व्यास रवि चिनाब झेलम और इंदुस इसके अंदर इनको क्या गया है इनको वेस्टर्न रिवर्स का नाम दिया गया है इनको वेस्टर्न रिवर्स है ना इनको वेस्टर्न रिवर्स दिया गया और इनको ईस्टर्न रिवर्स का नाम दिया गया है है हाँ ना तो इसके अंदर बोला गया कि ईस्टर्न रिवर्स है उनके ऊपर पूरा हिंदुस्तान का है वो अधिकार है और उसी वजह से आपने देखा होगा भाकड़ा नांगल बांध हमने यहाँ पे बनाया था तो वो वाटर ट्रीटी साइन करने के बाद में यहाँ पे इसके ऊपर ज्यादा काम हुआ था तो यहाँ पे क्या है कि ये ईस्टर्न रिवर्स है उनका पानी सारा हमारे अंडर में है हम चाहे तो इसको कंप्लीट ब्लॉक कर सकते और अगर ऐसा कर दिया तो आधा पंजाब है पाकिस्तान का वो प्यासा मर जाएगा है ना तो ये इसके अंदर है कि हम काम कर सकते अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है ये वेस्टर्न रिवर्स है वेस्टर्न रिवर्स के अंदर ये बोला गया है कि इनका पानी तो पाकिस्तान में जाएगा लेकिन एक तो हम यहाँ से पानी है वो इरीगेशन के लिए है ना सिंचाई के लिए पानी है हम वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे और दूसरा क्या है कि हम अपना यहाँ पे इसके अंदर फ्लो वाटर का फ्लो क्या कर सकते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का फ्लो है वो चेंज कर सकते हैं तो उसी को बेस बना के उस कोर्ट को बेस बना के हम क्या करें यहाँ पे चिनाब के अंदर आप देखोगे गूगल मैप से देखोगे ना तो भी यहाँ पे आपको क्या है कि जगह जगह बहुत सारे डेम मैंने खुद ने देखा है जूम कर करके जो यहाँ पे क्या है चिनाब रिवर है उसको यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे आप भी देखोगे ना तो बहुत सारे चिनाब रिवर के ऊपर क्या है कि आपको छोटे 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 वो डैम नजर आ जाएंगे वो सारे डैम किस लिए है वो यहाँ पे हाइड्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए है तो चिनाब रिवर पे यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं मल्टीपल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिससे कि यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जो लोकल एरिया के अंदर है वो काम में आएगी बेटा ठीक तो है बेटा तो ये आपका कहां पे है जम्मू कश्मीर के अंदर है और ये के कौन सी रिवर के ऊपर बनी हुई है, है ये आपकी जो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है वो यहाँ पे चिनाब रिवर पे है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा एनडीए <laughs> लवर बोल रहा है अभी पाकिस्तान के पास पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन अभी भी वहां पे उनके लोग सुधर नहीं रहे उनको मतलब कि डैम्स बनानी चाहिए चीजों को मैनेज करना चाहिए लेकिन उनका पूरा का पूरा पानी है वो समुद्र के अंदर चला जाता है और बाद में सूखा पड़ा रहता है क्योंकि उनका पैसा तो किस पे लगाना है आतंकवादियों पे लगाना है विच इज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन द्वेंटी ट्वेंटी टू ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका अच्छा क्वेश्चन है आपका क्यों अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर बच्चे गलत करके आएंगे गलत करके क्यों आएंगे यहाँ पे आप में से भी नाइन्टी परसेंट बच्चे किसको टिक करेंगे अभी यहाँ पे नाइन्टी परसेंट क्या करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे दो हजार इक्कीस बाईस में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा है ट्रेडिंग पार्टनर शीर्ष में कौन सा है, है ना तो यहाँ पे पिंटू कुमार तो यू को ले चुके हैं जो तीसरे नंबर पे है ना यहां पे उसके बाद में क्या है ठीक है तो यहां पे मैक्सिमम है उसके बाद में ए वाले भी आ गए कुछ है ना एक के ही आ गए मैक्सिमम है ना तो यहां पे आप देख सकते हो कि क्या हाल है हमारा तो इसलिए मैं बोल रहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएसए है जिसके साथ में हमने लगभग 100 बिलियन यूएसडी के आसपास है वो यहां पे क्या है पिछले फाइनेंशियल ईयर में ट्रेड किया है दूसरे नंबर पे कौन है बेटा दूसरे नंबर पे है चाइना है चाइना है दूसरे नंबर पे दो नंबर पे चाइना है और यूए है वो तीसरे नंबर पे है यू है वो तीसरे नंबर पे है यूए से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका सीपा सीपा वाला क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट आता है है ना सीपा सीपा क्या है सीपा यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो है बेटा जिसके अंदर यहाँ पे आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इंक्लूड हो गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इंक्लूड हो गया है सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड हो गया है है ना सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड हो गया और, और और भी बहुत सारा मतलब कि क्या है चीज़ें हैं इसके अंदर इंक्लूड की गई है जिसके अंदर हिंदुस्तान का पहला जो आईआईटी है फॉरेन में कहाँ पे ओपन होगा वो दुबई के अंदर ओपन होगा दुबई के अंदर पहला आईआईटी है वो हमारा ओपन होगा ये क्वेश्चन है वो छप सकते हैं इन चीजों को विशेष आपको ध्यान रखना है तो दुबई है यूएई के साथ में मतलब कि हमारा तीसरा हम सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ठीक है बेटा तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक है? है ना और गीतकार थे लेखक और गीतकार थे बेटा तो ये आपका कहां से है वो मलयालम से है पिछली बार जो क्वेश्चन आया था इंडिया के अंदर वो शायद यहां से आया था बनारस से या वाराणसी से मतलब कि जो साहित्यकार थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार सेलिब्रेट किस अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय है सेलिब्रेट इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे किसका है बेटा सेलिब्रेट सेलिब्रेट किसका है वर्ल्ड टर्टल डे का सेलिब्रेट यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे थीम है और इससे रिलेटेड आपका पिछले से पिछले एनडीए के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया था रिडले टर्टल वाला याद करो बच्चे मतलब कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं तो रिडले टर्टल वाला है ना रिडले टर्टल वाला वाला क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर चिल्का लेक आपको मैप के साथ में हमने क्वेश्चन करवाया था और स्क्रीनशॉट एग्जाम में छपा था चिल्का आपकी क्या है, रामसर है। रामसर साथ। रामसर साथ। टोटल रामसर कितनी हो गई है हिंदुस्तान के अंदर टोटल 75 साइट्स साइट है वो हो गए हैं ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा निम्नलिखित में से कौन सा चीन के त्यानवेन वन मिशन का हिस्सा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ चाइना तियानवेन वन मिशन है ना कौन सा है बेटा तो ये क्या है ये इसका आपका जो मार्स मिशन है है ना मार्स मिशन है चाइना का मार्स मिशन जो चाइना का है उसमें इन्होंने मतलब कि अपना रोवर है वो लैंड करवाया है जिसका नाम क्या है जुरोंग रोवर जुरोंग रोवर है वो आपका चाइना का मतलब कि कौन से मिशन का है ये तियानवन वन मिशन का पार्ट है जुरांग रोवर जो वहां पे लैंड करवाया था और ये ए, मार्स मिशन के लिए यूज किया था मार्स पे इन्होंने अपना रोवर है वो लैंड करवाया किसने चाइना ने ठीक है और ये भी आपका थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि अलग हटके क्वेश्चन है ये थोड़ा स्पोर्ट्स के अंदर भी किस भारतीय राज्य ने 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी किताब जीता है, है ना तो पहला रणजी किताब किसने जीता बेटा यह है आपका मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ठीक है और इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पे हुए थे हरियाणा पंचकुला में हुए थे उसका भी थोड़ा ध्यान रखना बेटा चिल्का ओडिशा में है बिल्कुल उड़ीसा में है उड़ीसा के कोस्ट पे है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा देखो फटाफट किस राज्य ने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्ति को राज्य में स्थानांतरित करने के लिए विधेयक पारित किया है है ना यहाँ पे क्या है पहले राज्यपाल है जो आपका गवर्नर है गवर्नर के पास में पावर्स थी गवर्नर के पास में पावर्स थी यहां पे है ना कि यहां पे क्या है कि जो भी मतलब वाइस चांसलर्स सा है वो इनको अपॉइंट कर सकता है गवर्नर तो कौन सा स्टेट है जिसने की वो पावर सारी मतलब कि वहां से लेके और अपनी मतलब कि उसके पास में विधानसभा के पास में ले लिए तो कौन सा स्टेट है ये ये है आपका तमिलनाडु है ना अभी ममता दीदी भी काफ़ी धमकी दे रही है ममता दीदी कल कल ही शायद कल का ही देखा था मैंने उन्होंने उन्होंने बोला कि अगर आप हमारे मतलब कि जो बंदे हैं डिपार्टमेंट के उनको अगर यहाँ पे सीबीआई वगैरह के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से परेशान करोगे तो फिर हम सेंटर के जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे उनको परेशान करेंगे तो ममता दीदी पूरी ठान के बैठी है कि सेंटर के साथ में है मतलब कि दो दो हाथ करना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चीन रूस अमेरिका ने ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो नहीं है थोड़ा टाइपिंग एरर है इसको मैं अलग बोल के समझा देता हूँ इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चीन और रूस ने मतलब कि अमेरिका ने अपने नए बैलास्टिक मिसाइल लॉन्च करने के लिए किस देश पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का जोर दिया यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये यह नहीं है आपका अमेरिका हैव इंस्टीट्यूट ऑन यूएन एन सेक्शन ऑन दिच कंट्री फॉर दर न्यू बैलास्टिक मिसाइल्स ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू करो मतलब ये इसको कैंसिल कर दो है ना यहाँ पे क्या है अमेरिका हैव इंसिस्टेड ऑन द यूएन एन सेंक्शन ऑन विच कंट्री फॉर देयर न्यू बैलास्टिक मिसाइल लॉन्च ठीक है तो यहां से शुरू करो अमेरिका से शुरू करो कि कौन सा देश है जिसके ऊपर अमेरिका ने क्या किया था बेलास्टिक मिसाइल टेस्ट करने के बाद में यूनाइटेड नेशन में मतलब कि उस पर सेंशन लगाने की बातचीत की गई थी जिसके अंदर वहां पे क्या है जो ईडीबल ऑयल्स वगैरह है उसको मतलब कि इंपोर्ट करने के लिए वहां पे और टोबेको वगैरह है इंपोर्ट करने के लिए मतलब कि है बैन लगाने की बातचीत की गई थी तो ये कौन सा है नॉर्थ कोरिया है अभी बाइडन साहब है रिसेंटली एशिया विजिट पे आए थे है ना एशिया विजिट पे आए थे और उसी टाइम पे जब वापस गए इतने के अंदर यहाँ पे क्या है नॉर्थ कोरिया ने पटाखे फोड़ दिए तो नॉर्थ कोरिया पटाखे पोड़े तो वहां पे बाइडन साहब है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिजोल्यूशन लेके आए है, है ना रिजोलेशन लेके आए कि यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के ऊपर है वो पाबंदी लगनी चाहिए लेकिन वहीं पे रशिया और चाइना आ गए रशिया और चाइना आ गए बोले ऐसे कैसे पाबंदी लगेंगे हम खड़े हैं अभी यहाँ पे है ना तो उन्होंने फिर क्या किया वीटो पावर लगा दिया और उसकी वजह से उसके ऊपर क्या लगा था यहाँ पे सेंक्शन है वो नहीं लगाता तो ये किससे रिलेटेड है बेटा नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है ठीक है

गंगा नदी मंदागिनी और अलकनंदा है वो आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा गंगा नदी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे बेटा भारत ने हाल ही में किस एशियाई देश के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की सत्तरवीं वर्षगांठ मनाई सत्तरवीं वर्षगांठ मना रहा है मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कौन सा देश है जिसके साथ में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन उन्नीस सौ में स्टेब्लिश किए थे और अभी सेलिब्रेट किया है कौन सा देश है बेटा यहाँ पे तो वो <laughs> बांग्लादेश का तो ऑप्शन देना ही यहाँ पे गलत है क्योंकि इनका तो जन्म ही कब हुआ था नाइनटीन सोलह दिसंबर सोलह दिसंबर को हमारे क्या हुआ था लल्ला हुआ था है ना तो सोलह दिसंबर उन्नीस को सोलह दिसंबर उन्नीस को एक नया लल्ला हमारे पोत्र का जन्म हुआ था हमारे है ना तो ये तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता तो ये करेक्ट आंसर क्या है बेटा करेक्ट आंसर है वो है जापान जापान के साथ में हमने उन्नीस में डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो स्टेब्लिश किए थे और यहाँ पे जापान से रिलेटेड अभी एक तो मतलब कि जो फॉर्मियो की है जापान के प्राइम मिनिस्टर उसका नाम याद रखना आपको एक सिंजो आबे का नाम याद रखना है सिंजो आबे सिंजो आबे वाला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको बहुत बार करवाया जा चुका है बेटा और यहाँ पे सिंजो आबे है और चुनावी रैली के अंदर वहां पे उनकी गोली मारने से क्या हो गई थी हत्या हो गई थी और उसी के फ्यूनरल में अभी यहाँ पे नेक्स्ट वीक है वो प्राइम मिनिस्टर है वो जाने वाले हैं बेटा ठीक है बेटा सन्नी बेटा पोत्र पोत्र है ना और ये रियलिटी भी है ना कि फादर को क्या होता है बेटा उतना पसंद नहीं होता है पोता जब वो पोत्र बोल सकते हो या पोता बोल सकते हो वो ज्यादा पसंद होता है राइट तो वही हमारी कहानी है हमारा बेटा तो बड़ा नालायक है हमेशा उत्पात करता रहता है लेकिन बांग्लादेश कितना सरापत से रहता है आराम से मतलब कि कोई वो नहीं है माथा पोड़ी करने का काम नहीं है शांति से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ बोंगो, सर, बोंगो सागर अभ्यास में भाग लेती है बोंगो सागर अभ्यास है वो अभी रिसेंटली हुआ था आपको एक क्वेश्चन पहले भी करवाया जा चुका है मेरा तो यहाँ पे इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज बोंगो सागर अलोंग विथ विच कंट्रीज नेवी कौन सी कंट्री के साथ में किया था हमने बांग्लादेश के साथ में किया था ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा पिंक बॉलवर्म विच मेड न्यूज़ रिसेंटली इन्फेस्ट विच ऑफ दी फॉलोइंग क्रॉप्स कौन सी फसल को मतलब की जो पिंक बॉलवर्म है वो यहाँ पे ख़त्म कर रहा था खा के मतलब किया है ना तो ये कौन सा है बेटा ये आपका है कॉटन जो फसल है उसको यहाँ पे क्या कर रहा था पिंक बॉलवर्म है वो यहाँ पे नष्ट कर रहा था और उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यू, न्यूज़ के अंदर है वो देखने को मिला था बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइटल इलेवन विच स्टैंड फिफ्टी ईयर दिस ईयर इज ए यूएस लॉ दैट प्रोवाइड सेफ गार्ड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन किसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स है ना यहाँ पे निक्सन साहब थे उन्नीस सौ इकहत्तर के अंदर उन्नीस सौ इकहत्तर के अंदर उन्होंने यहाँ पे है वो मतलब वर्क कल्चर के अंदर इक्वलिटी लाने के लिए या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया था यहाँ पे कानून पास किया था तो ये किस डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स है उसके ऊपर मतलब कि कानून है वो उन्होंने पारित किया था उन्नीस के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस संस्थान ने परम पोरुल नामक एक सुपर कंप्यूटर की स्थापना की कौन सा इंस्टीट्यूट है बेटा क्विकली बताना कॉमनवेल्थ से भी लाओ कॉमनवेल्थ से भी लाओ कॉमनवेल्थ से, से आपको कल क्वेश्चन समझा दिए थे कितने मेडल जीते हैं कितने नहीं जीते हैं उसके अंदर मेडल से रिलेटेड आई डोंट थिंक सो कि उसके अंदर से कोई क्वेश्चन बनेगा लेकिन कॉमनवेल्थ और आपका इसका जो आपकी महा आएगी उसके अंदर सारे क्वेश्चन आएंगे स्लाइड्स आएगी उसके क्वेश्चन नहीं उनकी स्लाइड्स लेके आएंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेडल्स यहाँ पे कॉमनवेल्थ ने जीते हैं कौन कौन से मेडल है वो यहाँ पे इसके अंदर हमारे ओलंपिक्स में जीते हैं पैरा ओलंपिक्स में जीते हैं उसके साथ साथ एक आपका नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन भी एक चांसेस रहता है तो नोबेल प्राइज कौन कौन से विनर्स है क्योंकि नोबेल प्राइज का एयरफोर्स के अंदर भी क्वेश्चन आया था उसकी सारी स्लाइड है वो भी आपको यहाँ पे किसके अंदर है महामेराथन के अंदर देखने को मिलेगी बेटा किस संस्थान ने परमपोरुल नामक एक सुपर कंप्यूटर की स्थापना की है ये कौन सा बेटा एन तिरुचिरापल्ली टी तिरुचरापल्ली या तिरुची एन किसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे एनआईटी तिरची है उन्होंने यहाँ पे क्या है सुपर कंप्यूटर की स्थापना की है और यहाँ पे वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है बेटा फ्रंटियर फ्रंटियर है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है रिसेंटली यहाँ पे न्यूज के अंदर आया था यूएसए का है और ये जापान के सुपर कंप्यूटर है उसको पीछे छोड़ के और नंबर वन पे आया है बेटा फीफा में इंडिया शामिल था सर फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा अभी उतावले मत हो थोड़ा सा तसल्ली रखो बेटा है ना हम चल रहे हैं उसके हिसाब से चल लीजिए आपके हिसाब से चलूंगा तो फिर आप यहाँ पे साढ़े चार सौ पाँच सौ बच्चे हो चार सौ इक्यानवे बच्चे हो तो यहाँ पे क्या करूंगा फिर मैं फोर नाइन्टी वन क्यूरीज हो जाएगी तो यहाँ पे क्लास नहीं होगी फिर तो आपकी मतलब क्यूरीज़ को ही हम रिजोल्व करते रहेंगे फोर नाइन्टी वन क्यूरीज है एक बच्चे की एक क्योरी होगी तो भी फोर नाइन्टी वन है वही क्लास के अंदर रिजोल्व नहीं हो पाएगी तो मेरे हिसाब से चलने दो समाचारों में देखे गए चाय के मच्छर के कीड़े मुख्य रूप से किस फसल पर हमला करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन है वो हिंदी के अंदर अलग हो गया है टी मॉस्क्यूटो बग्स टी मॉस्क्यूटो बग्स विच वर सीन इन द न्यूज आर से अटैक विच क्रॉप कौन सी फसल को यहाँ पे है ये नुकसान करते हैं टी मॉस्क्यूटो है वो कौन सी फसल को यहाँ पे नुकसान करते हैं बेटा है ना तो टी मॉस्क्यूटो बग्स है ये किसको मतलब कि कैश्यू नट्स है या यू कैन से जो आपका कैश्यू को क्या कहते हैं केसू को क्या कहते हैं बेटा एक बार बताना एक बार केसु को क्या कहते हैं हम केसु को क्या बोलते हैं ऐसा हो जाता है देखो केसु का नाम याद नहीं आ रहा है काजू देखो <laughs> काजू है ना हाँ तो काजू है काजू की फसल है और यहाँ पे काजू की फसल क्या है मोस्टली जैसे क्या है स्पेशली किसके अंदर है उड़ीसा के अंदर उड़ीसा के अंदर है काजू की फसल का मतलब कि तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है ये महाराष्ट्र और ये यहाँ पे तमिलनाडु है शायद महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद में यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उड़ीसा और उसके अंदर यहाँ पे कैशू नट पर यहाँ इन्होंने क्या टी मॉस्क्यटो बग्स है उन्होंने अच्छा खासा अटैक किया था जिसकी वजह से अच्छी खासी फसल है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी हुई है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स ईपीसीजी स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विथ यूनियन मिनिस्ट्री किससे जुड़ी हुई है बेटा ये आपकी है वो मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्री और यहां पे जो सेलिब्रेशन हुआ था और वहां से अगर क्वेश्चन पिक हो तो इंडिया का आज तक का सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट है वो हमने फोर्ट सेवेंटी बिलियन यूएसडी है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अचीव किया था इंडियन गवर्नमेंट ने चार बिलियन यूएसडी का यहाँ पे टारगेट सेट किया था यूएसडी का टारगेट सेट किया था चार बिलियन यूएसडी का और वो हमने बाईस मार्च को अचीव कर लिया था ये फाइनेंशियल ईयर हमारा एक अप्रैल से लेके कर एक अप्रैल से लेके कर एक अप्रैल से लेके ले और इकतीस मार्च तक चलता है ये इकतीस मार्च तक चलता है और ये चार जो बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट का जो टारगेट था वो हमने बाईस मार्च को अचीव कर लिया था और टोटल हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे पिछले फाइनेंशियल ईयर में मतलब कि 31 मार्च 2022 तक का जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर टोटल हमने कितना एक्सपोर्ट किया है वो किया है बेटा 417 बिलियन यूएस डॉलर किया है लेकिन इसके साथ एक दूसरी डरावनी बात भी आती है कि हमने इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर है वो लगभग 600 बिलियन 600 610 के आसपास जो भी है छः बिलियन यूएसडी यूएसडी का मतलब कि इंपोर्ट भी क्या है जो कि पिछले साल का इंपोर्ट है पिछले साल का इंपोर्ट जो गैप था एक्सपोर्ट से इंपोर्ट का जो गैप है वो अब की बार 200 बिलियन यूएस डॉलर क्या रहा है 200 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है जो कि पिछली बार कितना था पिछली बार सिर्फ है वो एक बिलियन यूएस डॉलर का था 102 बिलियन यूएस डॉलर का गैप था इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो बढ़ा है बढ़ के कितना हो चुका है अभी करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो 9.1 हो चुका है बेटा 9.1 हो चुका है जो कि काफ़ी डरावना एक तरह से काफ़ी रिस्की है क्योंकि यहाँ से अगर स्टेबिलिटी नहीं आई फ्यूचर के अंदर फिर से मतलब की है क्राइसिस जनरेट हुआ तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट है वो हो सकती है बेटा तो यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिशिएट हमारा कितना हो चुका है नाइन हो चुका है बेटा है ना जो जनरली क्या है कि जैसे अभी ये कोविड से पहले इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उससे पहले यहां पे गवर्नमेंट चार परसेंट के आसपास का टारगेट लेके चलती थी कि हमारा टारगेट है वो चार परसेंट के आसपास हो और काफी कुछ श्रिंक भी हो रखा था लेकिन अभी कोविड के टाइम पे है वो काफी खराब हो गई है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है बेटा ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है ये क्वेश्चन भी क्यों आ सकता है क्योंकि यहाँ पे इसका सीईओ ये बनने से पहले बवाल हुआ था थोड़ा सा हल्ला हुआ था अच्छा खासा तो उस वजह से ये क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ पे क्या है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी सीईओ एंड एम डी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एम डी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दी एयर इंडिया तो सबसे पहले तो एयर इंडिया की खबर क्या है कि एयर इंडिया को क्या है टाटा ने खरीद लिया है टाटा ने खरीद लिया है और आपका जीडी के अंदर या एसएसबी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो एयर इंडिया क्या थी पहले मतलब कि टाटा के ही अंडर में जमशेद जी टाटा के अंडर में ही मतलब कि ये कंपनी थी लेकिन बाद में क्या किया है कि यहाँ पे नेहरू जी ने क्या किया था इसको गवर्नमेंट के अंदर में ले लिया था अधिग्रहण कर लिया था लेकिन अब उसके बाद में क्या है कि रिसेंटली इसके ऊपर लगभग 20 करोड़ रुपए पर डे का बीस करोड़ रुपए पर डे का मतलब कि नुकसान आ रहा था घाटा आ रहा था और उसी वजह से बाद में क्या किया था कि इंडियन ने इंडियन गवर्नमेंट है उसने इसको सेल कर दिया था और सेल करने के बाद में परचेज किसने किया था टाटा ने किया था तो टाटा ने किया और उसके बाद में यहां पे क्या है कि जो नया जो सीईओ इलेक्ट कर रहे थे वो टर्किस एयरलाइन का कर रहे थे टर्किस एयरलाइन टर्किस एयरलाइन का टर्किस एयरलाइन का सीईओ है वो यहाँ पे बना रहे थे टर्किस एयरलाइन लिटरली आप मानो ना मानो इसे टर्किस है हमारे मतलब कि देश के मोस्ट ऑफ दिस टाइम पर क्या रहते हैं अगेंस्ट रहते हैं है ना क्योंकि टर्की पाकिस्तान और अजरबैजान है इन तीनों की मतलब कि एक गुट एक तरह से चलती है तो टर्की है वो हमारे अपोनेंट में रहता है हर चीज़ में लेकिन इनकी एयरलाइंस की फैसिलिटीज़ है वो काबिल तारीफ़ है एयरलाइंस के मामले में टर्किस है टर्किस एयरलाइन है वो एक तरह से बेस्ट आती एहतियात होगी टर्किस एयलाइन होगी ये क्या होती है एयरलाइन में बेस्ट सर्विसेज होती है हमारे एयर इंडिया वाले है ना इतने नालायक होते हैं कि सर्विस एक ट्रेन का बहुत खराब होता है है ना यहाँ पे अगर एक बार फ्लाइट उड़ान भर ली ना तो उसके बाद में एयर इंडिया वाले है ना वो सो जाते हैं जो वो होती है ना चाय पानी पिलाने वाली मैम से क्या बोलते हैं उनको एयर होस्टेज तो वो क्या करती है फिर बड़ी रूड होती है एक तरह से और यहाँ पे क्या होती है अगर आप सो रहे हो बाई चांस तो टर्किरलाइन वाले आएंगे आपके पास मतलब वो मिन्नत करते हुए जगह के आपको चाय नाश्ता दे के जाएंगे और एयर इंडिया वाले ना वो चुपके से निकल जाएंगे चलो ब्रेकफास्ट है वो बच जाएगा है ना तो ये क्या है कि टर्किस एयरलाइन का जो सीईओ थे एलकर एलकर करके उनका सीईओ था तो उसको यहाँ पे टाटा का सीईओ मतलब कि एयर इंडिया का सीईओ है वो बनाया जा रहा था लेकिन बाद में क्या हुआ कि इंडिया में काफी बवाल हुआ कि हमारे जो एयर इंडिया है वो इंडियन फ्लैग वाहक है और उसके ऊपर एक फॉरेन मतलब कि एयरलाइंस का सी है वो बनेगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा खासा बवाल हुआ और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये प्लान है वो गिव अप कर दिया गया था और अभी नए सी है वो यहाँ पे कौन बने हैं बेटा ये बने हैं कैम्बेल विल्सन कैम्बेल विल्सन है वो नए सी बने हैं बेटा इसके ठीक है बेटा <laughs> आपके पैंतीस हजार नहीं जी इसलिए नहीं, नहीं पैंतीस हजार के लिए तो मेरी भी गलती है क्योंकि पिछले चार छह महीने से तो मैंने उनको कॉन्टेक्ट ही नहीं किया है क्योंकि टाइम भी तो मिलना चाहिए ना उनके लिए उनसे माथा फोड़ी करने के लिए आपके पास घंटे दो घंटे फ्री भी तो होना चाहिए लेकिन अभी टाइम कहाँ है तो उस चक्कर में उनसे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया बेटा अभी तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ना यहाँ पे व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 के अंदर यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग क्या है बेटा कौन सी पोजिशन पे है यहाँ पे यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग है वो 37 है और कल हमने पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर या पासपोर्ट की मतलब कि पावर के हिसाब से पासपोर्ट के बेसिस पे हमारी कौन सी रैंकिंग थी बेटा पासपोर्ट के बेसिस पे हमारी यहाँ पे एट्टी रैंकिंग पे थी हम पे 87 रैंकिंग में थे और इसका मतलब क्या था कि हम लगभग 57 कंट्रीज के अंदर फ्रीली मतलब कि एनी मतलब कि है से वो ट्रेवल कर सकते थे और पासपोर्ट के ऊपर हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि सबसे मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किसका है वो आपका जापान का है और दूसरे नंबर पर सिंगापुर और साउथ कोरिया आते हैं फिर ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा रोहित यादव के दिमाग में कीड़ा हो रहा है चलो मैं डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बता देता हूँ वैसे एस एस बी में पूछा भी जा सकता है आई डोंट थिंक सो लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग है ये है ना एक बच्चा बोल रहा है कि सर हमारे जो हमने फाइटर जेट्स परचेज किए हैं है ना वो यहाँ पे कितना है 36 सिक्स फाइटर जेट हमने परचेज किया रफेल वो हमारे 8.7 बिलियन अरब डॉलर के थे लेकिन वहीं पे यहाँ पे कौन से देश ने इंडोनेशिया है वो 8.1 पॉइंट अरब डॉलर में ही फोर्टी सिक्स यहाँ पे परचेज कर रहा है है ना तो ये तो आप राहुल गांधी वाली जैसी बात कर रहे हो कि यहाँ पे 81 के अंदर ही वो 46 सिक्स परचेज कर रहे हैं और हम यहाँ पे एट पन्स उनके अंदर ही सिर्फ हम कितने किए 36 सिक्स किए लेकिन आपने उन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में नहीं देखा बेटा ये हमारी जो फाइटर जेट्स है ये 36 फाइटर जेट्स आए तो इनके अंदर ये फाइटर जेट्स है वो रेफेल वो फाइटर जेट्स नहीं है जो रशिया उड़ाता है सॉरी फ्रांस उड़ाता है इन फाइटर जेट्स के अंदर मतलब कि अलोट मॉडिफिकेशन हो रुके हैं अब वही चीज़ होती है ना कि जो फाइटर जेट बन रहा है उसके अंदर आप अपने हिसाब से कोई कंपोनेंट एड करोगे आप अपने हिसाब से मतलब कि जैसे इसके अंदर आर सिस्टम्स वगैरह है, वो हमने इसराइल से लिया है है हाँ ना? उसके अलावा उसमें फुरे, वो, तो उस वो, वो ज्यादा पड़ी है क्योंकि इसी बेसिस पे जिसे हम पहले 126 राफेल की बातचीत की गई थी कि हिंदुस्तान एक सौ छब्बीस जो फाइटर जेट्स है वो यहां परचेज करेगा लेकिन वो मेक इन इंडिया के तहत प्लान कर रहे थे मेक इन इंडिया के तहत लेकिन बाद में क्या हुआ इमरजेंसी ऐसी की हमें रेडीमेड मंगवाने पड़े है ना तो ये क्या फाइटर फाइट्रोजेट है ये काफी चीप आने वाले थे लेकिन ये फाइटर जेट्स की डील हो रही थी वो सिर्फ उनका चेची या उसका इंजन बिल्ड करने की बातचीत हो रही थी उनके अंदर मिसाइल्स क्या लगेगी क्या नहीं है उनकी बातचीत नहीं हो रही थी बेटा अच्छा ये वही है जो कल बिल्डिंग के बारे में पूछ रहा था है ये कौन है ये ठीक है बेटा मेरे बात इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट दी एल रूट सर्वर टू प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज विथ सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी कौन सा है बेटा तो यह है आपका राजस्थान राजस्थान है और ये अगर जैसे इंटरनेट चलता कैसे बेटा ये हिंदुस्तान है मान लो है ना गेटवे का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है ये मान लो हिंदुस्तान है अब हमारे यहाँ से मतलब कि जो गेटवे होता है हमारा इंटरनेट गेटवे है वो कहाँ कहाँ से है पूरा हिंदुस्तान का जितना भी कोई भी देश अपने इंटरनेट पर कैसे कंट्रोल कर सकता है हमारा गेट वे से मुंबई है मुंबई मुंबई से पूरा इंटरनेट का जो ट्रैफिक है ना हमारा वो सारा यहाँ पे है वो मुंबई आता है और मुंबई से बाहर निकलता है बाय चांस अगर हम अपने हिंदुस्तान का इंटरनेट कंट्रोल करना चाहिए कि हम दूसरे देशों के अंदर कम्युनिकेशन उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं ये गेटवे जो मुंबई के अंदर गेट लगा हुआ है उसको होल्ड कर सकते हैं अभी रिसेंटली कोलकाता के अंदर भी एक और गेट है वो बिल्ड हुआ है तो यहाँ पे जो भी गेटवे बने हुए हैं यहाँ से मतलब कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि हिंदुस्तान से जो भी पाइपलाइंस मतलब कि एक तरह से जो केबल्स निकल रही है उन केबल्स के ऊपर अगर आप फायर बिठा दोगे तो वहां से आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो इंडिया जैसे उतना रेस्ट्रिक्ट नहीं करता करता है लेकिन चाइना ने ग्रेट चाइना फायर के नाम से एक फायर वॉल डिप्लॉय कर रखी है उन्होंने ग्रेट चाइना फायर है ना ग्रेट चाइना फायर है वो यहाँ पे उन्होंने डिप्लॉय कर रखी है और उस वजह से क्या करते हैं कि वो वहाँ पे जितना भी ट्रैफिक जाता है वो सारे इंटरनेट को वहाँ से क्या करते हैं वहाँ पे उसको फिल्टर करते हैं और उसी वजह से जो भी जितनी भी कंपनी चाइना के अंदर डील करती है बिजनेस करती है उनकी हमेशा से सरदर्दी रहती है है ना क्योंकि ये वाली फायर है उसने मेरा भी बहुत बड़ा मतलब कि सरदर्दी का मतलब की वो दिमाग खा पाया था क्योंकि वहाँ पे हमारी जो कुछ साइट्स थी जो चाइना के अंदर वगैरह ऑपरेट होती थी तो वहाँ से क्या होता था कि जो भी ट्रैफिक आता था उसको ये फायर क्या करती थी स्लोनेस क्रिएट कर देती थी और फिर वहां से क्या होता था कि वो साइट की जो मैनेजमेंट वगैरह है वो फिर चिल्लाती थी तो ये चीज होती कि आप कैसे किसी कंट्री का मतलब इंटरनेट वगैरह है उसको मैनेज कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे बेटा तो यहाँ पे आज अच्छे खासे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं और यहाँ पे फोर्ब्स की 2022 की सूची के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक भुगतान करने वाला एथलीट है या प्लेयर कौन सा है बेटा कौन सा है आपके हिसाब से सबसे पहले किस पे टिक मारोगे आप विराट कोहली पे मारोगे राइट है ना तो ऐसा नहीं है सबसे ज्यादा मतलब कि जो, पर, जो वो करने वाला है वो है मैसी सेवेंटी सेवन मिलियन है उसको फुटबॉल खेलने के लिए यहां पे पैसा मिलता है और उसके साथ ही साथ यहाँ पे मिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहा हूं मैं और उसके साथ ही फिफ्टी फाइव मिलियन मिलियन यूएस डॉलर है उसको किससे मिलता है एड से मिलता है ठीक और रोनाल्डो साहब है वो तीसरे नंबर पे आते हैं थर्ड पे आते हैं ठीक देव कार्तिक आर्यन साहब रोनाल्डो के लिए बोल रहे हैं नहीं बेटा नहीं रोनाल्डो साहब तीसरे नंबर पे आते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे बेटा ये वो उस बच्चे के जो सरदर्दी हो रही थी अभी है ना बार बार एक बच्चा है वो कमेंट कर रहा था फीफा वर्ल्ड कप के लिए तो फीफा वर्ल्ड कप है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान कौन सा है क्वेश्चन ये है आपका कि यहाँ पे फीफा अंडर नाइनटीन अंडर सेवनटीन महिला विश्व कप है 2022 का उसका मेजबान कौन सा देश है तो इसका मेजबान कौन सा देश है बेटा यहाँ एक तो क्वेश्चन ये कि इंडिया इसका मेजबानी कर रहा है अंडर सेवनटीन की अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप है फीफा वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला जा रहा है वर्ल्ड कप तो ये है आपका कतर के अंदर खेला जा रहा है कतर के अंदर खेला जा रहा है इसके बाद में एक जो बार बार आप जिस क्वेश्चन के बारे में बातचीत करने वाले थे तो इंडिया के अंदर जो मतलब की जो फुटबॉल फेडरेशन थी उसके अंदर कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट का कुछ तामझाम हो गया था उसको डिजॉल्व कर दिया गया था और उस वजह से क्या किया गया था कि इंडिया को मतलब क्या है फीफा से है उससे फीफा फेडरेशन है या यू कैन से इंटरनेशनल जो फीफा फिफा फेडरेशन है उन्होंने वो कर दिया था निष्कासित कर दिया था लेकिन अभी दो दिन पहले की खबर है दो दिन पहले की खबर है कि यहाँ पे है उसको वापस से मतलब कि निष्कासन को कैंसिल कर दिया गया है और इंडिया की जो फीफा फेडरेशन है है ना जो इंडिया की जो फुटबॉल फेडरेशन है सॉरी उसका इलेक्शन फिर से वोटिंग होगी प्रॉपर तरीके से वोटिंग होगी तो उसी वजह से क्या है कि यहाँ पे फिर से ये चीज़ एक बार डाउट में आ गई थी कि ये वर्ल्ड कप अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा या नहीं होगा लेकिन अब फिर से कंफर्म हो गया है कि ये जो अंडर 17 फिप, जो फीफा वर्ल्ड कप है विमेंस सॉरी विमेंस जो वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर होगा बेटा ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा सिविल न्यूक्लियर क्रेडिट प्रोग्राम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री पाकिस्तान अतर आर्मी कतर जाएगी तो अच्छी बात है ना बेटा हमारी आर्मी यहाँ पे गार्ड का काम करने के लिए थोड़ी है हैं हमारी आर्मी गार्ड का काम करने के लिए थोड़ी है एक एक चीज सूची थी कि यहाँ पे एक मेम्स था हो सकता है वो ट्विटर पे रियलिटी भी हो कि एक प्राइवेट एजेंसी थी जिससे पूछा गया कि आप फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए कितना पैसा लोगे तो उन्होंने पॉइंट फाइव बिलियन या यू कैन से कि लगभग आपका कितना मांगा था लगभग आपका 500 मिलियन मान लो इसको 500 मिलियन के आसपास है मांगा था वहीं पे फिर पाकिस्तानी आर्मी के पास में आए कि आप हमारे यहाँ पे गार्ड का काम करने के लिए कितना पैसा लोगे तो उसका शायद सौ 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 या डेढ़ सौ मिलियन के आसपास के अंदर है वो डील साइन हुई है तो यहाँ पे है तो हमारे आर्मी है वो यहाँ पे गार्ड का काम करने के लिए नहीं वो पाकिस्तान आर्मी कर सकती है क्योंकि पाकिस्तान आर्मी सऊदी अरबिया में भी तो करती है सऊदी अरबिया में भी तो वहाँ के राजा वगैरह की चौकीदारी का काम कौन करती है मतलब कि वही तो करती है यहाँ पे हैं पाकिस्तानी आर्मी करती है तो हाल ही में खबरों मेरा असैन्य परमाणु ऋण कार्यक्रम किस देश से संबंधित है बेटा किससे रिलेटेड है सिविल न्यूक्लियर क्रेडिट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है तो यह है आपका यूएसए से रिलेटेड लगभग छह सात बिलियन यूएस डॉलर की यहां पे क्या किया था बाइडन साहब ने मतलब की है इनके ऊपर स्पेशल एक तरह से सब्सिडी दी है है ना एक तरह से है वो सब्सिडी दी है ठीक है तो यहां पे क्या है हाल ही में रहा ऐसैन्य परमाणु ऋण कार्यक्रम किस देश से संबंधित है वो है यूएसए से लगभग छः बिलियन की यूएसडी सब्सिडी दी है उसका रीज़न क्या है क्योंकि यहाँ पे बाइडेन साहब क्योंकि हम एक तरफ से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे धरती का टेम्परेचर नहीं बढ़े और धरती का टेम्परेचर नहीं बढ़े उसके लिए क्या होगा कि हमें कोयले वगैरह से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं उसको कम से कम करना पड़ेगा और एक तरह से मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको यूज़ को बढ़ाना पड़ेगा लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है इसलिए लोग अवॉइड करते हैं तो उसी वजह से यहाँ पे क्या है बाइडन साहब ने एक तरह से मतलब कि पैसा दिया है जिससे कि वहाँ की जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह है वो क्लोज नहीं हो और उसको एक तरह से मतलब कि फंडिंग है वो की है ठीक है बेटा एक सिविल न्यूक्लियर न्यूक्लियर डील हमने यहाँ पे बुश के साथ में मनमोहन के टाइम पे 2008 में की थी अगर याद हो तो वैसे पुराना क्वेश्चन है आई डोंट थिंक सो आ सकता है लेकिन वैसे देखो 2008 के के अंदर हमने सिविल न्यूक्लियर डील की थी यूएसए साथ में है ना तो उसके अंदर क्या हुआ था उसके अंदर क्या हुआ था कि हमें यहाँ पे इंटरनेशनल मतलब की क्या एक तरह से फ्रीडम मिल गई है कि हम बाहर से किसी भी देश के साथ में क्या है उस न्यूक्लियर डील के बाद में क्या हो गया है कि हम बाहर से किसी भी देश से क्या कर सकते हैं हम यूरेनियम वगैरह है उसका इंपोर्ट कर सकते हैं ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा यह क्वेश्चन कल करवाया हुआ है बेटा आपका और ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका स्वीडन और फिनलैंड ने हाल ही में किस वैश्विक ब्लॉक में शामिल होने के लिए एक औपचारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए हैं औपचारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए हैं तो यहाँ पे क्या है कौन सा देश है स्वीडन और फिनलैंड यहाँ पे जैसे ही नाम आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा स्वीडन फिनलैंड वाला आजकल कहाँ पे तामझाम चल रहा है वो चल रहा है नाटो वाला है ना तो नाटो में इंक्लूड होने के लिए यहाँ पे क्या स्वीडन और फिनलैंड है उन्होंने रिक्वेस्ट ही? जारी की है नाटो का यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो है आपका ब्रुसेल्स है ना बार बार चीजें बताई जा रही है जिससे कि आपकी चीजें हैं वो क्वेश्चन गलत ना हो है ना एक बार बीस बार भी रिपीट करेंगे लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए आपके दिमाग में छप जानी चाहिए बेटा वो है ना तो यहाँ पे क्या है ब्रूसियल है जिसमें इसका हेडक्वार्टर है प्रेजेंट के अंदर इसके अंदर तीस मेंबर है तीस मेंबर है जिसके अंदर टर्की भी इसका मेंबर है याद रखना टर्की भी इसका मेंबर है टर्की का नया नाम क्या हो गया तुर्की हो गया है तुर्की है ना तुर्की इसका नया नाम हो गया है टर्की का नाम चेंज होकर क्या हो गया है तुर्की हो गया है अब यहाँ पे आपका ये वाला सीन क्या है कि नेटो के अंदर क्यों शामिल होना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और उस वजह से यहाँ पे इन दोनों देशों को भी लगता है कि कहीं ना कहीं रशिया है उसका एग्रसन है उनके ऊपर भी ना हो जाए तो उस वजह से नेटो का जो आर्टिकल सिक्स या सेवन क्या कहता है वो ये कहता है कि यहाँ पे नेटो के मेंबर्स में से किसी भी एक देश के ऊपर अगर अटैक किया गया किसी भी एक देश पे ऊपर अटैक किया गया है तो टोटल तीस देशों पे वो अटैक माना जाएगा और सारे देशों की जो आर्मी है वो यहाँ पे कंबाइंडली जॉइंटली क्या करेगी फिर उसके ऊपर जाके अटैक करेगी तो ये क्या कहता है नाटो की डेफिनेशन है है ना जी ट्वेंटी के ऊपर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं जी ट्वेंटी का यहाँ पे है इंडिया के अंदर यहाँ पे कब इंडिया की प्रेसिडेंसी कब आने वाली है दो हज़ार तेईस के अंदर एक दिसंबर दो हज़ार बाईस से लेके दो हज़ार तेईस के अंदर यहाँ पे इंडिया की मतलब की है प्रेसिडेंसी रहेगी और यहाँ पे इंडिया क्या है लगभग अगले एक साल में ढाई के आसपास है वो मीटिंग्स करवाने वाला है इस साल जी ट्वेंटी की सबमिट कहां पे होगी बेटा इस साल जी ट्वेंटी की सबमिट है वो इंडोनेशिया में होगी इंडोनेशिया के अंदर होगी बेटा ठीक है यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे बेटा इसका हेडक्वार्टर भी ब्रुसेल्स है जिसके अंदर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन मतलब कि यूरोपियन यूनियन के अंदर है वो मेंबर्स है बेटा और यहाँ पे क्या है यूरोपियन यूनियन के मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज है वो नेटो के मेंबर्स है ठीक है और नेटो के अंदर यूरोपियन यूनियन के अलावा आपका कनाडा वगैरह कनाडा हो गया यू और यूएसए है वो भी इसके मेंबर्स है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा इसीलिए तो हम बोलते हैं एक बच्चा बोल रहा है कि सर मैं यहाँ पे स्क्रीनिंग के अंदर आउट हो गया एक तरह से है ना इनिशियल ग्रुप डिस्कशन के अंदर आउट हो गया तो वही चीज़ होती है बेटा ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मायने करता है वहां पे आपको दस बंदे हैं पंद्रह बंदे एक साथ जब ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं तो सामने वाले चार आदमी फर्राटे से इंग्लिश बोल रहे हैं है ना अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और आपके पास कॉन्टेंट अच्छा होने के बाद में भी क्या है आप यहाँ पे उसको डिलीवर नहीं दे पाते हैं तो उस सीनेर के अंदर है वो इश्यूज़ होते हैं एक अगर आपको पता हो तो हमारे एक बच्चा है जिसका हमने यहाँ पे मतलब कि रिटर्न क्लियर करने के बाद में वो हमारे इस पे आया था है ना एक तो वो आया था तो उसका क्या है कि वो एस में आउट हुआ था क्यों क्योंकि उसका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक था और वो अभी फिर से चार सेप्टेम्बर का पेपर देने के बाद में है एस एस देने जा रहा है तो उसका क्या है कि बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है उसका जो हमारे टॉपिक्स वगैरह है एस एस के कॉन्सेप्ट वाले जितने भी वीडियोज़ है वो सारा बहुत अच्छे से अपटू मार्क कर रखा उसने उसकी एक ही समस्या है कि उसका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है और वही प्रॉब्लम है कि उस वजह से वो बार बार मतलब कि क्या हो रहा है एस में आउट हो रहा है लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपकी बार उसका काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि उसने है आपकी बार भी काफ़ी अच्छी मेहनत की है बेटा ठीक है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के निदेशक मंडल में अध्यक्ष और मतदान सदस्य के रूप में चुना गया है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने के निदेशक मंडल में अध्यक्ष और मतदान सदस्य के रूप में चुना गया है वो कौन है बेटा यह है लॉवलीना साहब ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा शहर पहली बार अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 22 का आयोजन स्थल है विच इज दी वेन्यू ऑफ दी फर्स्ट एवर इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज साइज कॉन्फ्रेंस ट्वेंटी कौन सा है बेटा तो यह है आपका मुंबई ठीक है बेटा और जी के अंदर जैसे बाकी बच्चों का जो फीडबैक आ रहा था जो बच्चे कॉल कर रहे थे उनके अंदर क्या बता रहे हैं बच्चे कि एक दो बच्चे तो ऐसे हैं जैसे रोहित यादव है इसकी फितरत भी ऐसी है क्योंकि ये कमेंट इसको चुल की बिगर शांति नहीं रहती है ये कमेंट बॉक्स में भी तो ऐसे फुदक रहा है तो उसकी समस्या क्या है ये बच्चे क्या करते हैं कि वहां पे जाएंगे वो नेचर प्रकट हो जाता है बच्चे का क्या होता है कि नेचर है ना वो प्रकट हो जाता है है ना तो उस वैसा ही क्या है जैसे हम आर एस एर वाला वो लड़का नहीं है उसकी फितरत क्या है कि उसको शांति से एक जगह बैठ नहीं सकता उसको मतलब कि क्या है इधर इधर मतलब कि वो अगर आप पकड़ के उसका हाथ पकड़ के खड़ा कर दोगे ना तो भी वो मतलब कि है वो हिलता डुलता ही रहेगा तो वो चीज़ होती है तो बहुत सारे बंदों की क्या होती है अपनी फितरत होती है वो उससे बाहर नहीं निकल सकते तो ऐसे जो ये रोहित यादव बोल रहा है डिसिप्लिन की वजह से आउट हो गया क्यों क्योंकि वहाँ पे आप कितने ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो लेकिन आपको डिसिप्लिन में रह के सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा आप वहाँ पे ऐसा करोगे ज़ोर जोर से चीखोगे और करोगे तो डेफिनेटली आप है उन चीज़ों को है वो ब्रेक कर दोगे ठीक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे बेटा किस संस्था ने उस समूह का नेतृत्व किया जिसने भारत का पहला 5G टेस्ट बेड विकसित किया है, है ना ये 5G से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अच्छे खासे बन रहे हैं आपके एस वगैरह में भी डिस्कशन में आएंगे अब किस संस्था ने उस समूह का नेतृत्व किया जिसने भारत का पहला फाइव टेस्ट बेड विकसित किया है बेटा ये किसने किया बेटा ये आपका आई मद्रास है आई मद्रास है उन्होंने टेस्ट बेड विकसित किया है क्यों क्योंकि पहले 5G टेस्टिंग के लिए 5G टेस्टिंग के लिए हमें फॉरेन लैब्स का सहारा लेना पड़ता था है ना लेकिन ये वाला जो टेस्ट है इसके अंदर लीड किसने किया है आईआईटी मद्रास ने किया और उसके बाद में चार पांच ऑर्गेनाइजेशन और, और है वो सपोर्ट की है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मतलब कि पीएम मोदी ने है वो यहां पे क्या किया था है ना वो इन्होंने क्या किया था यहाँ पे इनोग्रेशन किया था तो ये कहां पे है आई मद्रास है बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा बीजिंग डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा किस शिखर सम्मेलन से संबंधित है है ना बीजिंग डिक्लेरेशन विच वॉज फाउंड इन दी न्यूज एसोसिएटेड विथ विच समिट कौन सी समिट से रिलेटेड है बेटा तो ये अभी बीजिंग में कौन सी हुई है यहां पे ब्रिक्स से रिलेटेड बन रहे मैक्सिमम है ना तो ब्रिक्स सबमिट हुई थी जिसको नाम बीजिंग डिक्लेरेशन किया गया है क्यों क्योंकि 2022 की जो समिट है उसका प्रेसिडेंस कौन है चाइना है 2022 हज़ार बाईस की जो प्रेसिडेंसी है वो यहाँ पे किसके पास में है चाइना के पास में है अगले साल किसके पास में आने वाली है है ना अगले साल साउथ अफ्रीका के पास में आने वाली है फिर से वापस दो में ब्राज़ील के पास जाएगी फिर यहाँ पे रशिया के पास में और फिर वापस इंडिया के पास में आएगी है ना तो ये हो गया इससे रिलेटेड आपको डेली क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इसका है जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं जिसको उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा संगाई है और यहाँ पे फिफ्टी बिलियन यूएस डॉलर का मतलब कि इनिशियल इसके अंदर फंडिंग रखी गई है और यहाँ पे क्या है इसका जो ब्रांच ऑफिस है वो इंडिया के अंदर कहाँ पे ओपन हो रहा है सूरत के अंदर ओपन हो रहा है ठीक है तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है डब्ल्यू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका ट्रेड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होती है उसको यहाँ पे देखती है जी सेवन है जी सेवन से रिलेटेड आपका पिछली बार दोनों बार है वो क्वेश्चन बन रहे हैं तो जी सेवन है वर्ल्ड की जो मोस्ट डेवलप्ड जो सेवन ग्रुप्स है सॉरी सेवन कंट्रीज है उनका ग्रुप क्या बनाता है जी सेवन बनाता है पहले जी एट था लेकिन रशिया को उसमें से है वो क्रीमिया एनेक्सेसन की वजह से दो हज़ार चौदह में हटा दिया था जी सेवन है उसको गर्लफ्रेंड जूस वाले फॉर्मूले से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो याद कर सकते हो है ना तो यहाँ पे G4 फोर जर्मनी आई फोर फ्रांस जे फोर जापान यू फोर यूएसए आई फोर इटली सी फोर कैनेडा एंड ई फोर इंग्लैंड इंग्लैंड आपका यूके को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये वाला हो गया G20 ट्वेंटी मीटिंग पे अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं तो ये वाली स्लाइड है इस तरह के ऑप्शन आते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी जियो को इम्पेक्ट करने वाले ग्रुप्स है उनके अंदर आते हैं बेटा ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा भारत जी से उनका मेंबर है क्या नहीं एयरमैन साहब नहीं है और इसी वजह से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि यहाँ पे इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी है उनको जी से की मीटिंग में पिछले साल भी 2021 के अंदर भी इनवाइट किया गया था कहाँ पे इनवाइट किया गया था यूके में यूके के ग्लॉक्सो में है ना ग्लॉक सौ में ये मीटिंग हुई थी तो उस टाइम पे क्या किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया था और यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि जिसे उनके मेंबर्स कौन कौन से हैं और उसके अंदर इंडिया को स्पेशल गेस्ट बुलाया था और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या समझ बैठे थे कि यहाँ पे पीएम साहब वहाँ पे गए तो ये मेंबर होंगे और वही गलती करके आए थे अब की बात भी छब्बीस से सत्ताईस जून के बीच में छब्बीस से सत्ताईस जून के बीच में क्या हुई थी जिसे उनकी जिससे की मीटिंग हुई है जिसके अंदर इंडिया को फिर से है वो इन्वाइट किया गया है बेटा ठीक है एक बच्चा पूछ रहा है सर हमारा सिलेक्शन कब होगा होगा लेकिन आप कंसिस्टेंसी रखेंगे चीज़ों के अंदर तो डेफिनेटली होगा है ना कई बार मेरा मैं मेरे रूममेट की बात बता रहा हूं जब मैं 2012 के अंदर टीसीएस के अंदर था मैं 2012 में टीसीएस में था और मेरा रूम पार्टनर उसका जुनून दे के आप जो डिफेंस फोर्सेज में जाने वाला बंदा ना वो अलग ही दिख जाता है तो वहां पे दो में वो क्या था मेरा रूम पार्टनर था उसने पाँच या छः एस दे चुका था वो सैनिक स्कूल से था दे चुका था उस बंदे ने क्या किया था ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आप सात दिन की छुट्टी मार के क्या किया था वहां पे एस की ट्रेनिंग करके आया और फिर वहां पे पांच दिन के लिए एस एस देने चला गया था वो अभी इंडियन नेवी के अंदर है ऑफिसर बन गया यहाँ पे तो उसने कम से कम आठ या नौ एस है वो दी थी बेटा तब जाके वहां पे क्लियर किया था तो ये चीजें होती है कि आप पहले एस के अंदर ही होप छोड़ दो 90 परसेंट बच्चे हैं जो एनडीए होल्डर्स होते हैं एनडीए मतलब कि निकाल सकते हैं लेकिन 90 परसेंट वाले बच्चे 90 परसेंट बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से क्या करते हैं कि चलो निकल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका अगर एयरफोर्स के अंदर जीडी होता है तो एयरफोर्स के अंदर जी के अंदर सेवेंटी परसेंट को क्या करते हैं इन करते हैं और ट्वेंटी परसेंट को आउट करते हैं और इसके अंदर उल्टा होता है इसके अंदर आपका क्या है कि 25% को इन करते हैं 75% को आउट कर देते हैं तो आप सोचते हैं कि यार के अंदर ही सिंपल है वहीं से निकल जाते हैं लेकिन दोनों के अंदर है बेटा काम कामधाम के अंदर रात दिन का फर्क है आपका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा संयुक्त राष्ट्र ट्वेंटी अप्रैल को किस अंग्रेजी लेखक के सम्मान में अंग्रेजी भाषा दिवस मनाता है कौन से मतलब की बंदे हैं उसकी यादगार के अंदर यहाँ पे है इंग्लिश डे सेलिब्रेट किया जाता है वो है विलियम शेक्सपियर क्या नाम है बेटा विलियम शेक्सपियर और यहाँ पे ये आपकी छह लैंग्वेजेस है जिनको यहाँ पे क्या किया गया है यहाँ पे इन छह लैंग्वेजेस को एक्नोलेज किया गया है यूनाइटेड नेशन की मतलब की लैंग्वेजेस के रूप में जिसमें एक आपका अरेबिक चाइनीज इंग्लिश फ्रेंच रशियन और स्पेनिश है ना लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हिंदी कोई भी लैंग्वेज है वो नहीं है अभी रिसेंटली लास्ट ईयर है इंडिया ने पुश किया यहाँ पे इंडिया ने एक मतलब कि रेजोल्यूशन पास करवाया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करवाया और उसके अंदर कहा कि हिंदी बांग्ला और उर्दू इन लैंग्वेजेस को भी जगह मिलनी चाहिए है ना हिंदी बांग्ला और उर्दू है इन लैंग्वेजेस को भी जगह मिलनी चाहिए तो इनको ये ऐसे मतलब कि इन सिक्स लैंग्वेज के बराबर तो इक्वलेट नहीं मिला लेकिन हाँ इनको मतलब कि ये ए एडिशनल लैंग्वेज के रूप में है वो ऐड किया गया है जिसके अंदर हिंदी बांग्ला और उर्दू है उनको एज ए एडिशनल लैंग्वेजेस है वो यहाँ पे क्या है इंक्लूड किया गया है ठीक बेटा नहीं वो एक ब, पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेके मैंने बोला था वो था लेकिन डोंट टेक इट अदरवाइज है ना वो मैं एग्जाम्पल दिया था लेकिन कई बच्चों में एक्टिवनेस होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी होते हैं उनके अंदर वो चीजें अच्छी भी होती है कुछ पॉजिटिव सेगमेंट्स भी होता है हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरीनेस आपकी साफनेस है कहां पर रिप्रेजेंट करनी चाहिए वो मायने करती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लुकास्ट मॉन्टेलुकास्ट विचवाज रिसेंटली फाउंड फाउंड इफेक्टिवली ट्रीटिंग सार्स कोविड टू इज ए ड्रग यूज टू ट्रीट विथ डिजीज सार्स कोविड टू यहां पे क्या है किसका है ये कोविड का वर्जन है बेटा कोविड है ना तो यहाँ पे कोविड के लिए मतलब कि कौन से मेडिसिन है उसके लिए यहाँ पे ये मेडिसिन यूज की जाती थी मॉन्टेलूकास्ट है वो कौन सी बीमारी के लिए यूज की जाती थी जो काफी ज्यादा इफेक्टिव रही है कोविड के लिए भी तो ये कौन सी बीमारी है बेटा अस्थमा अस्थमा के लिए यूज की जाती थी और आपने देखा होगा जनरली अगर आपने एक्नोलिज किया हो आइडेंटिफाई किया हो बहुत सारे लोगों को जो अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम होती थी ना उनको यहाँ पे जब से कोविड के टीके लगे हैं तब से उनके अस्थमा अस्थमा सब भाग गया है क्यों क्योंकि जो सर्दी जुकाम में कई लोगों की क्या होती थी विंटर के अंदर सर्दी जाती नहीं थी तो उनके भी जब से टीके लगे ना उनके सर्दी वर्दी आना बंद हो गई है अब तो उस टीकों से दूसरी बीमारियों में भी अच्छे खासे फ़ायदे एक तरह से वो देखने को मिले हैं बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है? है वो आपकी स्क्रीन पे है बेटा एक बच्चा बोल रहा है सर हर बार एसएससी देने के लिए मेंस बार-बार देना पड़ेगा या बिल्कुल देना पड़ेगा बेटा तुम क्या सोचो एक बार रिटर्न क्लियर कर लिया तो फिर जितने एसएससीओ की सारी दिया होगे ठीक है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार किस तारीख को से एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है है ना और ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में एकदम से इसलिए स्ट्राइक किया क्योंकि जिस दिन पाबंदी लगाई थी ना उस दिन मैं भी जब सब्जी लाने गया था तो यहाँ पे क्या है कि सब्जी वाले इधर उधर प्लास्टिक छुपा रहे थे क्योंकि पुलिस वाले हैं वो वेरीफाई करवा रहे थे तो ये रिसेंट की घटना है ये कब हुआ था बेटा ये हुआ था आपका एक जुलाई दो को एक जुलाई जो, दो हजार से क्या है प्लास्टिक जो बैग्स है जो हम सब्जी वगैरह में पॉलिथीन यूज करते हैं वो बैन कर दी गई है रिटेल प्लास्टिक आप बोल सकते हो जिसको वो बैन कर दिए है ओल्ड वहाँ पे वो सिम्बोलिक ही है उसके बाद में अभी धड़ल्ले से मतलब कि मार्केट के अंदर फिर से प्लास्टिक है वो यूज होना शुरू हो गई तो ये कहां पे है बेटा जुलाई वन 2022 से और जुलाई वन को कल हमने एक क्वेश्चन करवाया था जुलाई वन को हमारा जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं हम है ना जीएसटी डे भी जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे एक जुलाई दो हजार जुलाई दो हजार को एक जुलाई 2017 को क्या हुआ था एक जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था जो आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आप बोल सकते हो बेटा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा विच कंट्रीज पैनल डिजिग्नेटेड इंडिया एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है ना और यहां पे ये यह क्वेश्चन देखते ही मेरे को फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट याद आ गया था है ना तो यहां पे विच कंट्रीज पैनल डिजिग्नेटेड इंडिया एज ए कंट्री ऑफ द पर्टिकुलर कंसर्न कौन सा देश है जिसने इंडिया को विशेष चिंता की वाले देश की या कंसर्न वाली कैटेगरी के अंदर डाला है तो वो था यूएसए यूएसए ने कंटिन्यूअसली तीसरी बार थर्ड ईयर है वो यहाँ पे है स्पेशल वॉच की कैटेगरी में रखा है रिलीजियस मतलब की जो मतलब की इंटॉलरेंस की कैटेगरी के, के अंदर है कंटिन्यूसली थर्ड टर्म है उसके अंदर रखा है और उसी वजह से यहाँ पे अभी रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर है जब वहाँ पे गए हुए थे तो उस टाइम पे एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि हिंदुस्तान का है वो यहाँ पे है रिलीजियस इंटॉलरेंस की कैटेगरी में रखा गया है स्पेशल मतलब कि वो में रखा गया है तो इंडिया ने बोला कि हाँ हम भी देख रहे हैं कि वो अगर यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर है वो रिलीजियस मतलब कि टॉलरेंस की बात कर रहे हैं तो हमें भी मतलब कि हम भी उनके बोले जब भी डिस्कशन होता है तो हम यूएसए के अंदर जो हो रहा है यूएसए के अंदर क्या हो रहा है ब्लैक लोगों पर या यू कैन से कि जो ब्लैक्स है है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब कि शूटिंग्स वगैरह देखने को मिलती होगी आपने कि किसी हिसाब से ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो बोले कि हमने भी वो कंसर्न है जब वो हमारे साथ अपने देश की प्रॉब्लम्स रेज करते हैं तो हम उनको उनके देश की प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे डेवलप करवा देते हैं तो इसी हिसाब से क्या होता है कि एक दूसरे के वो तो हमारी प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली दे कैन से है ना उनको लगता है कि वो अपने मतलब कि पूरा वर्ल्ड लीडर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बता सकते हैं लेकिन बोले कि हम भी उनके देश में जो गठित हो रहा है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये अभी फॉरेन मिनिस्टर का है वो स्टेटमेंट था बेटा तो यहाँ पे कौन सा देश है वो यूएसए है बेटा उसके साथ यहाँ पे ये चीज़ फिर से बोलूंगा ये स्पोकन वाली जो आपकी प्रॉब्लम आ रही बेटा जो भी एनडीए का हो या किसी का भी हो ये स्पोकन इंग्लिश पे स्पेशल फोकस रहेगा हमारी टीम का स्पेशली मैं मॉनिटर कर रहा हूँ यहाँ पे मैम जो भी चीज डिलीवरी देगी उनको स्पेशल मॉनिटरिंग में रख के आपको चीज़ें डिलीवर होगी आप समझ सकते हो डेली कहीं पर भी आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करोगे ना तो आपको दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन एक महीने का पच्चीस पच्चीस घंटे का तीस घंटे का चालीस घंटे का इस हिसाब से प्रोग्राम मिलेगा छः महीने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू अगर सिक्स मंथ का अगर हम प्रोग्राम

है ना वो क्लास फन टाइम के रूप में लो कि मेरा फन टाइम है एक घंटा मुझे फन टाइम मतलब कि एक घंटा स्पेंड करके आना है टाइमिंग भी ऐसी रखिए कि आपकी मोस्ट ऑफ दी क्लासेस है वो डिलीवर हो चुकी इसे है छः से सात बजे के बीच में रखिए ये क्लास हर बच्चा वो ज्वाइन करेगा स्पोकन इंग्लिश की क्लास है वो हर बच्चा ज्वाइन करेगा प्राइस इसकी मतलब कि नेग्लिजिबल रखिए एक तरह से 499 की प्राइस रखिए है यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं है इसकी सारी क्लासेस है वो एप्लीकेशन पे है बेटा तो यहाँ पे इस क्लास को विशेष ध्यान रखेंगे मैम ने अभी वीडियो आपका आ चुका होगा है ना या आ जाएगा अभी आधे घंटे के अंदर जिसके अंदर मैम जो प्लानिंग है वो यहाँ पे आपको वीडियो है वो रिलीज करेगी कि किस हिसाब से वो डिलीवरी करेंगे बाकी हमारे कोर्सेज है वो भी इनरोलमेंट सभी का चल रहा है और यहाँ से क्या कर सकते हो आप यहाँ से इनरोल करके और यहाँ से सात तारीख से जो क्लासेस है उनको ले सकते हो बेटा ठीक है बेटा मैं दो बार लाइक ठोका हूं दो बार लाइक ठोक दिया तो इसका मतलब जो लाइक किया था उसको वापस से अनलाइक कर दिया है आपने है ना तो या तो दो डिफरेंट आईडी से आपने लाइक किया है तब तो ठीक है वरना तो दो बार लाइक ठोकने का मतलब ये होता है कि पहली बार लाइक किया दूसरी बार वापस से ठोक दिया तो इसका मतलब आपने लाइक वापस हटा दिया बेटा ठीक है और कोई भी क्वेरीज हो आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे सबसे पहला यही नंबर होता है आपका कि इन नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए सबसे पहले आप व्हाट्सअप कीजिए मैं चाहता हूँ कोई भी बच्चा है कॉल नहीं करे किसी भी बच्चे को कॉल करने की प्रॉब्लम ही नहीं आई सिंपल व्हाट्सअप क्या क्योंकि यहाँ पे आप कहीं पे मार्केट में होते हो कहाँ पे होते हो नॉइज हो रही है है ना हमारे पास आवाज नहीं आ रही है हेल्प डेस्क वाले परेशान आप भी परेशान उसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे आपको जवाब मिलेगा व्हाट्सएप पे अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो आप कॉल कीजिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे और एक तरह से अब मैं रिवीजन के रूप में आऊंगा है ना इतने दिन तो मैं यहाँ पे कंटेंट डिलीवर कर रहा था कंटेंट हमारा मोस्ट ऑफ दी कंटेंट पिछले आठ महीने तक का वो आ चुका है है हाँ ना और अब आपका रिवीजन के रूप में क्लासेज चलेगी और अब दमाल मचेगा कि आप देखोगे कि किस लेवल के हमारे जो जीएसट्रेटेजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है डिफेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनका यहाँ पे है वो यहाँ पे किस हिसाब से मतलब क्वेश्चन है वो अगले तीन -चार दिन हमारे पास जो बचे हुए हैं उनके अंदर मतलब कंप्लीट रिविजन के रूप में है उन सारी चीजों को एक तरह से रिकॉल हम कर लेंगे बेटा ठीक है एयरफोर्स की क्लास सात तारीख से चालू होगी बेटा ठीक है तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद